नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज की इस स्पेशल लाइव में। और आज इस लाइव में जो हमारे मेहमान हैं उनको आप पहले भी ग्लोबी न्यूज पर देख चुके हैं, लेकिन काफी लंबे समय बाद एक बार फिर से बहुत सारे ऐसे जरूरी मुद्दे थे जिनको लेकर के आप सभी लोग जानना भी चाहते थे, और ऐसी जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी है वो मैं सखा के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सखा के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इनकी जो खास बात है वो ये है कि जैसे डॉक्टर आजकल मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन सखा आजकल डॉक्टरों का ही इलाज करने में लगे हैं और बहुत बड़े स्तर पर इनको सफलता मिल रही है, उसका भी राज जानेंगे। लेकिन बारी बारी से बहुत सारे मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सखा जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज़। धन्यवाद। तो सखा, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उस मुद्दे को लेकर के जिस मुद्दे के बारे में सबसे ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं और लोग कंफ्यूजन है, वो है कोविशील्ड की जो खबर आई है, और कोविशील्ड की खबर आने के बाद कि उसके इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इधर उधर बहुत अफरा तफरी मची है। कुछ लोग खुशियां भी मना रहे हैं, जो लोग वैक्सीन का पहले खुलासा करते थे और उनकी बात कोर्ट ने भी सिद्ध कर दी है, और जिन्होंने भी कोविशील्ड लगा ली वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी है। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं इस घटना को लेकर के, कि इतने समय बाद जैसे भी इसका खुलासा, तो आप जैसे लोग भी शुरुआत से ही कर रहे थे, लेकिन सब लोग कोई बात उनकी आप लोगों की मानता नहीं था, लेकिन आज इतनी आसानी से एक वैक्सीन के जो मालिक है उसने भाई मान लिया कि हाँ इसके गंभीर साइड इफेक्ट हैं, तो ये अपने आप में शक पैदा करती है कि ऐसा कैसे हो गया कि इसका खुलासा पूरी दुनिया भर में हो गया। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं सखा जी? सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे मैं पहले देखता था वैसे ही आज भी देखता हूँ। मेरा मानना है कि आप कहते हो कोविशील्ड का जो है पर्दाफाश हो गया, मैं कहता हूँ कि लोगों ने पर्दाफाश दिवस मना लिया। पर्दाफाश दिवस मना लिया, दो तीन दिन पर्दाफाश दिवस चलता रहा और फाइनली सब शांत हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छी टेस्टिंग थी, वो भी हो गई कि पब्लिक जो है वो गुलाम बनने के लिए राजी है, मूर्ख बनने के लिए राजी है, और ये एक सामूहिक हिप्नोटिज्म है जिसको पब्लिक पे किया जा रहा है और पब्लिक उसका शिकार हो रही है। तो मैं तो इसी नज़रिए से देखता हूँ कि ये उसी का एक पार्ट है। देखो कोर्ट की, अब देखो आप खासियत देखो, कई लोग कहते हैं कि कोर्ट जो है बड़े सही निर्णय ले रहा है, मुझे लगता है कि कोर्ट भी एक बहुत मैनिपुलेटेड निर्णय ले रहा है। कोर्ट एक निर्णय ले रहा है कोविशील्ड के बारे में, ये निकला कहीं पे भी कोर्ट ने कोई सजा सुनाई? कोई सजा सुनाई? ये तो हो गया कि हम सॉरी बोल के हर चीज से बच जाते हैं, तो बस सॉरी करवा दिया, इनको भी थोड़े से अखबारों में एड छपवा दिए जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। और उन लोगों का क्या जिनकी मृत्यु हो गई? और केवल आप ये मत समझिएगा कि कोविशील्ड जो हमें लगी थी वो सिर्फ हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा रही, ये तो अभी इन्होंने बताया है, असली खेल तो बहुत बड़ा है। मैंने पहले, अब इतने सारे हमारे वीडियो हटाए गए, वो कहाँ से लाएंगे हम दोबारा? हम तो लाइव डाल दिया करते थे, अब वो वीडियो हम कहाँ से लाएंगे, हटा दिए गए। तो ऐसी कंडीशन में पहले इसका बहुत खुलासा कर चुका हूं कि ये जो है एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर टेस्टिंग है, हमारे जीन कोड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमें बार बार टेस्ट किया जा रहा है कि हमारा पेशेंस लेवल, हमारे दमन का लेवल क्या हो सकता है, और ये निर्णय भी उसी में सहयोग प्रदान करते हैं। आप ये देखिए कि ये केवल एक वैक्सीन नहीं थी, मैं फिर कह रहा हूं ये केवल एक छोटी सी वैक्सीन नहीं थी कि जिसे लगा देने के बाद आपके हार्ट में खून के थप्पे जमना, इतनी छोटी बात नहीं थी। किसी भी वैक्सीन में एक कोड नंबर नहीं होता, किसी भी वैक्सीन के साथ आधार कार्ड को नहीं जोड़ा गया दुनिया में आज तक, आखिर इसके साथ आधार कार्ड को क्यों जोड़ा गया? कौन सा डाटा तैयार करने के लिए आधार कार्ड को इसके साथ जोड़ा गया? हर वैक्सीन का अलग नंबर, हर व्यक्ति का अलग आधार कार्ड, फिर उसको टेस्ट किया गया, दोनों मिला के देखे गए, आखिर इतना सब क्यों किया जा रहा है? बहुत बड़ी टेस्टिंग है, मैंने पहले भी कहा है, अपने वीडियो में भी बोला है कि बात असल में ये है कि ये देखो सिंपल सी एक चीज़, जिस समय कोरोना की बात कही जा रही थी उस समय ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना को लेके वैक्सीन इतनी जल्दी बनाई नहीं जा सकती, बहुत लंबे समय में बनेगी और हमें जल्दी ही एक वैक्सीन चाहिए,
और तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से ये आया था कि उन्होंने एक ऐसा नैनो पार्टिकल बना लिया है जो नैनो पार्टिकल आपके जीन कोड पे जाके आपकी मेमोरी को एक ऐसी चीज दिखा सकता है जिससे वही काम हो जो वैक्सीन करती है। वैक्सीन क्या करती है थोड़ा समझ लेना चाहिए। जैसे किसी को कोरोना का वायरस हुआ तो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर गया इस तरीके से उसकी सिक्योरिटी तोड़ के, क्योंकि सिक्योरिटी में हमने डाला हुआ था कि किस किस के पास कार्ड है वो अंदर आ जाए और जिसके पास कार्ड नहीं है उसको सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेंगे। बॉडी में इस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है। तो कोरोना वायरस धोखा देके दूसरे का कार्ड लेके घुस गया अंदर। अब जब वो अंदर घुस गया और उसने जाके तबाही मचाई तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में एक नकली कोरोना का वायरस डाला जाएगा और वो अंदर जाके वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जब वो अंदर जाएगा तब हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि ये कोरोना है और इस तरीके का कोई आएगा वायरस तो हमें उसे मारना है। इसे बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब नहीं होता हम काजू और बादाम बढ़ा दें। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि हमारे शरीर की वो क्षमता जिसमें किसी भी वायरस को प्रवेश करने पे उसको किल कर देती है उसको उसको बढ़ाना। तो उसी तरीके से जब ये हुआ तब उस समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा कि अभी कोरोना का वायरस उपलब्ध नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने नैनो पार्टिकल्स को आपकी बॉडी में डालें और बॉडी में जाके नैनो पार्टिकल्स को 2000 प्रोग्राम तक दिए जा सकते हैं। तो उसमें हम उसको जाके एक झूठी तस्वीर दिखाएंगे कोरोना की और उस झूठी तस्वीर से वो डिफेंस सिस्टम अपना अच्छा करेगा। और इसको पूरी दुनिया ने बहुत जल्दी में मान लिया और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से पूरी दुनिया में ऐसा किया गया। हर आदमी के शरीर में ये डाला गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्योंकि इसके साथ टेस्टिंग भी करनी थी तो ये शर्त भी रखी कि इस तरीके से जो है वो आपका लोगों का आधार कार्ड या जो भी कार्ड हो वो उसको अटैच किया जाए ताकि हम एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से वो चिप पड़ गए, वो पड़ गए नैनो पार्टिकल हमारी बॉडी में और वो हमारे जीन कोड पे जाके बैठ गए। अब 2000 प्रोग्राम उसमें डाले जा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा खेल जो है वो चलता है डाटा का, डाटा कलेक्शन। जिसके पास जितना डाटा है वो उतना रिच है। अब आज समझ के देखिए कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास हमारे शरीर का पूरा डाटा है, अरबों खरबों लोगों का डाटा है। अब वो डाटा बहुत रिच है। वो डाटा अभी अभी आप देखो कि हम एक मोबाइल सर्च मारते हैं खरीदने के लिए तो अगले दिन से सारे मोबाइल के ऐड हमें दिखने लगते हैं। तो कंपनियों के पास ये डाटा मौजूद है कि इस आदमी ने मोबाइल खरीदने के लिए डाला और कितने रुपए तक का खरीद सकता है, तो उतने रुपए के हम इसे मोबाइल दिखाना शुरू कर दें। तो ये छोटा डाटा है, लेकिन हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है वो भी किसी को पता चल जाए तो कितना खतरनाक है। हमारे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, हम किस कलर से प्रभावित होते हैं, हम किस कलर को बुरा मानते हैं, हम किस कलर से भयभीत होते हैं, किस कलर से प्रेम कर सकते हैं, ये भी डाटा अभी इकट्ठा हो जाएगा। और इस डाटे का इस्तेमाल होगा फ्यूचर में कि ये जो पार्टियां हैं ये मास हिप्नोटिज्म के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देके उनसे डाटा लेंगी और फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बताएगी कि इस समय हम ऐसा वाला बटन दबाएंगे, ऐसा वाला प्रोग्राम दबाएंगे और सारे लोगों के दिमाग में इस तरीके के कलर की प्रोग्रामिंग आएगी कि उनको वो बेहतर लगने लगेगा और आप उन्हें हिप्नोटाइज कर लेना आसानी से। अभी आप एक मूवी देखो, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए, वो भी एक पूरी चर्चा का विषय है। और वो मूवी है शैतान, अजय देवगन की एक मूवी आई शैतान। शैतान फिल्म में हिप्नोटिज्म का सबसे अच्छा खेल दिखाया गया। मैं हिप्नोटिज्म से परिचित हूं इसलिए बता रहा हूं कि हिप्नोटिज्म का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल शैतान में दिखाया गया। लेकिन आज दुनिया में हिप्नोटिज्म को पैसा कमाने की तरकीब बनाने के लिए 2000 रुपए के लोग कोर्स सिखा रहे हैं। सही बात है। और ये 2000 रुपए के कोर्स सीखने के बाद लोग क्या करेंगे आप सोचो। और उसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि एक आदमी को कुछ अगर हम केमिकल किसी विशेष तरीके का खिला दें तो खिलाने के बाद उसको हिप्नोटाइज करना इजी हो जाएगा।
और इस कंडीशन को जो दिखाया गया है, यही मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक खास तरीके का रसायन डाल दिया गया है, खास तरीके का नैनो चिप डाल दिया गया है जो आपको पूरे तरीके से हिप्नोटाइज कर सकता है। तो ये कितनी खतरनाक बात है। बिल्कुल। अब इसमें किसी को केवल यही दिख रहा है कि मेरा तो हार्ट में जो है वो ब्लॉकेज ना हो जाए, थक्के ना जम जाए, इतनी सी बात नहीं है। आपके जीवन में थक्के दमा दिए जा रहे हैं। सही बात। ये बहुत बड़ा खेल है जिसको हम बहुत छोटे लेवल पे समझ रहे हैं। कई बार देखो बहुत सारे क्रांतिकारी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि 90% लोगों की हत्या कर दी जाएगी। कोई कहता है 70% लोगों को मारने का प्लान है। नहीं, गलत बात है। किसी को मारने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं मारा जाएगा। बिजनेसमैन अपने ग्राहकों को नहीं मारता, वो अपने ग्राहकों को जिंदा रखता है, अपने बिजनेस को जिंदा रखता है। बस मारना इतना है कि वो जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होके उन संसाधनों को ख़त्म कर दे रही है, जिन संसाधनों को बहुत पैसे वाले लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं सैकड़ों हजारों सालों तक, बस किसी तरीके से पब्लिक को वो संसाधन इस्तेमाल करने से रोकना है। अब आपके पास पैसा खत्म किया जा रहा है, जितना पैसा आपके पास खत्म होगा उतना ही संसाधन आप कम इस्तेमाल कर पाओगे। अभी आपको थोड़ी दूर जाना हो, यहां से दिल्ली तक मुझे जाना हो तो 700-800 रुपए तो टोल लग जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो 200 रुपए का टिकट लेके जा सकता है दिल्ली, वो 800 रुपए टोल देके क्यों जाएगा गाड़ी से। सही बात है। तो ये अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो जो भी डाला है, चलो हार्ट के तो आपने तो कर बहुत सारे और खुलासे भी कर दिए, क्योंकि हार्ट के अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, हो रही हैं। हो सकता है कि भी हो भी रही हैं, लेकिन क्या कुछ फिर इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि बॉडी में से वो जहर या इतनी खतरनाक चीज को निकाल पाए किसी भी तरीके से? देखो, हमने कई बार इस तरीके से कहा, नेचर सबसे अच्छा ढंग है किसी भी चीज को लड़ने का। जी। जितनी भी पद्धतियां हैं हमारी, चाहे आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति हो, चाहे मॉडर्न पद्धति हो, सभी पद्धतियों में एक चीज कही जाती है और वो है बॉडी डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स से क्या होता है? डिटॉक्स से आपके शरीर की गंदगी निकल जाती है, आपका शरीर अपनी नेचुरल अवस्था में आ जाता है, और नेचुरल अवस्था में आने पर वो शरीर में डाले गए वायरसेस को किल कर देता है बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ बात हो रही है नैनो पार्टिकल की। नैनो पार्टिकल एक तरीके के कह सकते हैं अननेचुरल एलिमेंट समझ लो, है ना। वो नेचुरल नहीं है, वो एक तरीके के बनाए गए हैं, वो एक एक मेटल के इस्तेमाल किए गए, वो इतना सूक्ष्म है कि मैं आंखों से नहीं दिखता, और वो जाके हमारे जीन कोड पे बैठ रहा है, हमारे जीन कोड पे कब्जा कर रहा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये केवल मत समझिएगा कि ये टेस्टिंग अभी की गई है, ये टेस्टिंग बहुत समय पहले से चल रही थी। आप लोगों ने सुना होगा कि हेपेटाइटिस ए करके वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए जो वायरस होता है, यदि किसी व्यक्ति को वो लग जाए तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके जीन कोड पे कब्जा हो गया है इसका, और अब आप पे कोई दवाई असर नहीं करेगी। और हेपेटाइटिस ए वायरस, ये भी बताया जाता है, डॉक्टर ही कहते हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं, डॉक्टर ही कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए जो है वो पानी के माध्यम से आपके शरीर में आ जाता है और एक समय अपने आप निकल भी जाता है। तो कौन सा वायरस है जो अचानक आता है हमारी बॉडी में, फिर हमारी बॉडी में जीन कोड पे कब्जा कर लेता है, फिर एक समय बाद अचानक चला भी जाता है। और मैं इस वायरस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वायरस मुझे भी लगा था 8-9 साल पहले, हेपेटाइटिस मुझे भी हुआ था, हेपेटाइटिस ए। लेकिन मैंने इसका अलग ढंग से अपना सोल्यूशन किया और मैं उससे मुक्त भी हुआ। लेकिन आज जो नैनो पार्टिकल्स के संबंध में है, उनको आप कैसे नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं अपने शरीर में? तो देखो, एक तो दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके शरीर को शॉक दिया जाए। अच्छा। अब ये थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा हूँ शॉक लेने लग जाओ सब, लेकिन पहला तरीका तो ये है कि आपके शरीर को एक शॉक दिया जाए। जैसे आपकी जो पल्स होती है, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक आइटम है वो पल्स से ही डिस्टर्ब होते हैं, तो यदि आपके शरीर को शॉक दिया जाए तो आप बहुत आसानी के साथ जो है उसको अपने से बचा सकते हैं। एक और तरकीब है,
एक और तरकीब है कि आपके उन सेल्स को खराब किया जाए। देखो कोई भी सेल जो है वो सिस्टम में डाटा पहुंचाने के लिए है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्वर में आपके शरीर का डाटा जा रहा है, ये मेरे अनुसार है, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो, लेकिन मुझे जो दिखता है वो यही है। इससे बचने का दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि हम लोग मैग्नेटिक की बेल्ट बनाएं, या हम लोग अपने शरीर को किसी ऐसे उसमें रखें जो कि मैग्नेटिक फोर्स का हो, जिसमें चारों तरफ से मैग्नेटिक फोर्स हो। अब क्योंकि ये सेल्स बहुत छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी जो एक तरीके से प्रोग्रामिंग है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अभी आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर मैं इस चारों तरफ सिस्टम में मैग्नेटिक लगा दूं तो इसकी रेंजेस आप तक नहीं जा सकती जी। ये भी एक तरीका हो सकता है। और तीसरा तरीका और भी है, उसे कहते ही लोगों को लगेगा कि देखो ये धंधे पे आ गए, लेकिन वो भी हम कह देते हैं। हम लोगों को, हम लोग जिस थेरेपी पे काम कर रहे हैं हाइड्रोजन थेरेपी पे, उसमें भी ये चीज पॉसिबल है कि आदमी के इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। जिन भी व्यक्तियों को लगता है कि उनको कोरोना काल के दौरान इंजेक्शन लगने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो व्यक्ति जो है हमसे संपर्क कर सकता है। हम लोग जो हमारा प्रोसेस है उससे गुजार के और उसको ये प्रूव कर सकते हैं कि देखो उसके शरीर में कितना लाभ हुआ, जो जो प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं वो दूर हो सकती हैं। ये नैनो पार्टिकल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि उस नैनो पार्टिकल को हमारे जीन कोड पे कब्जा करने के लिए भेजा गया है। और हाइड्रोजन सेल की भी खासियत है, और ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हाइड्रोजन सेल भी हमारे जो जीन कोड होता है उस पर काम करता है, जाके उस पर बैठ के वहां से काम करता है। यानी कि हाइड्रोजन सेल्स अपने में इतना इंटेलिजेंट सेल्स है कि वो सबसे पहले आपके जीन कोड पे जाता है और जीन कोड से देखता है कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करता है। तो यदि वो आपके जीन कोड में जाता है तो जाने के बाद आपके जीन कोड पे जो बाहर के आदेश आ रहे हैं उनके खिलाफ काम करने का काम कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरीके से नेचुरल सेल है और ये जिस सेल मैं बात कर रहा हूँ वो अननेचुरल है, तो ये उसके खिलाफ काम कर सकता है। अच्छा, इसके लिए जैसे आप जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या कोई वो पहले से डायग्नोस भी करवा सकता है कि उसके उस मतलब दुष्प्रभाव उसके शरीर पर हो भी रहे हैं नहीं? जैसे अभी आपने अगर हाइड्रोजन थेरेपी के द्वारा किसी को दी तो जिसको प्रॉब्लम है उसकी तो प्रॉब्लम ही सिम्टम्स ठीक हो गए तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भी इसका फायदा हुआ है, लेकिन जिसको कोई सिम्टम्स ही नहीं है किसी तरह के, वो प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर लेना चाहता है, बिल्कुल, तो उसको ये सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा कि भी हाँ मैंने कुछ किया है अपने शरीर के अंदर, लाभ हुआ है? देखो मैं आपको बिल्कुल सीधी सी सेटिस्फेक्शन की जहां तक है बात वहां पे कर लेते हैं। आप अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है जो आपको डायग्नोसिस हो रही हो, ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी एक चीज तो आपको पता है ना, और वो है आपका एनर्जी लेवल, वो तो आपको पता ही है ना। तो बहुत सिंपली कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो टेस्टिंग के लिए 3 दिन का प्रयोग भी कर सकता है। मात्र 3 दिन के प्रयोग में उसे फील होने लगेगा कि उसके शरीर में एनर्जी लेवल किस तरीके से बदल गया, मात्र 3 दिन में उसको पता लग सकता है। लेकिन वही बात है कि अगर वो व्यक्ति बीमार है और तरीके की बीमारियों से ग्रसित है तब 3 दिन नहीं, तब थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। वरना कई लोग सोचने लगे 3 दिन में फिर हम स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 3 दिन तो एक्सपेरिमेंट के लिए, उस आदमी को सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाँ देखो ये कार्य होता है, तो 3 दिन में भी बहुत असर पड़ सकता है उसके साथ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसकी प्रॉब्लम्स समय समय पे अलग अलग आएंगी आपको। फिर देखो आप बहुत कमाल की बात देखो, अचानक ही अभी इन्होंने हार्ट पे बात की कि ये इस तरीके की हार्ट पे अटैक हो रहे हैं, और पब्लिक हार्ट अटैक पे ही गौर करेगी। लेकिन अब अगर तुम एक डाटा निकालना शुरू करो तो देखना हार्ट अटैक कम होते चले जाएंगे जी। कम होते चले जाएंगे। और अगर हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को हो ही रहा था तो कोविड के तुरंत बाद क्यों नहीं शुरू हो गया? आपने वैक्सीन ली उसके तुरंत बाद क्यों नहीं शुरू हो गया? बात तो ऐसी है कि जो प्रोग्राम डाला गया है उस प्रोग्राम की टेस्टिंग के तहत लोगों को हार्ट अटैक लाए गए। कैसे लाए गए थोड़ा समझो, मैं एक प्रोग्राम बना दूं
और उस प्रोग्राम को 1,00,000 रोबोट्स में फैला दूं और हर रोबोट का एक अलग कोड हो। अब मैं यहां पे सिर्फ इतना प्रोग्राम लिखूंगा कि लास्ट में जिन रोबोट्स के लास्ट में 9 आ रहा हो, वो रोबोट्स जो हैं वो अचानक कूदने लग जाएं। तो वो सारे रोबोट जिनके नंबर में 9 आ रहा है लास्ट में, वो कूदने लग जाएंगे। सही बात है। अब इसी को बायोलॉजिकल तरीके से अगर ये मैं कहूं कि वहां बैठे हुए सुबह के समय वैज्ञानिक कहते हैं रैंडमली कि आज हम एक ऐसा प्रोग्राम डालते हैं कि रैंडमली आज 1,000 लोगों को, दुनिया के 1,000 लोग, वो कंप्यूटर खुद डाटा उठा लेगा क्योंकि एआई का जमाना है, तो वो 1,000 लोगों पे टेस्टिंग करे कि उनके हार्ट की पल्स बढ़ा दे और हार्ट की पल्स बढ़ा दे और उन पे टेस्ट करे कि उनके ऊपर क्या परिणाम आए। अब सपोज दैट 1,000 लोग दुनिया में हार्ट की पल्स बढ़ाई गई और वो हार्ट की पल्स बढ़ाते वक्त एक व्यक्ति के दोस्त की शादी थी, अब उसकी हार्ट की पल्स बढ़ाई गई और वो वहां जाके मेरे यार की शादी है कर रहा था, तो उसके ऊपर डबल अटैक हो गया और इतना फास्ट हुआ वो तुरंत मर गया। आप गौर करके देखो कि कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक से अगर मरता है तो उसको 3 वाल्व बंद होते हैं जी। इतनी इतनी तेजी से हार्ट अटैक नहीं आता कि एकदम मर जाए। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा, स्वस्थ होगा, तो वो पहले एक अटैक होगा, उसका एक वाल्व बंद होगा, फिर उसको दूसरा अटैक आएगा, दूसरा वाल्व बंद होगा, तीसरा अटैक आएगा, तीसरा, और तीसरे के बाद आदमी मरेगा जी। लेकिन इस केस में तो होता ऐसा है, अचानक कूद रहा होता है, नाच रहा होता है, या कोई मशीन उठा रहा है, जिम में जाके कोई काम कर रहा है और मर गया। तो ये एक टेस्टिंग है, उस टेस्टिंग के तहत आगे चल के और भी टेस्टिंग की जाएंगी। और ये मत समझिएगा कि ये टेस्टिंग केवल नेगेटिव ही नेगेटिव में बातें करने के लिए बैठा हूं, कई लोगों पे इस टेस्टिंग का बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। कई लोगों पे ये टेस्टिंग जो है वो उनको कह रही है कि बॉडी उनकी अच्छी हो रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी बॉडी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो लगातार डाटा आ रहा है। हम लोग तो अपने फोन में जब डाटा लेते हैं लोगों, तो ये लिखवाते हैं कि उनकी कोविड के बाद स्थिति कैसी हुई। तो कई लोग कोविड के बाद अपने को ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे केवल मैं विरोध करने पे ही बैठा हूं, क्योंकि जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इतने बड़े प्रोग्राम को बनाए हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को मारना नहीं है, उनका उद्देश्य टेस्टिंग से एक सुपर ह्यूमन भी खोजना है। अच्छा। और वो सुपर ह्यूमन खोजने में वो लोग हमारी बॉडी के अलग अलग टेस्ट लेंगे। जैसे अभी टेस्ट है कि कोरोना में इतने लोग जो विरोध कर रहे हैं, अगर उनको पता लग जाए कि वैक्सीन ये गलत थी, तब देखें कितने लोग विरोध करते हैं। सही बात है। अब ये भी एक टेस्टिंग है, ये माइंड की टेस्टिंग है कि तुमको डराया गया, तुमको बताया गया कि तुम्हारे अंदर हमने गलत चीज डाल दी है, फिर भी देखें कितने लोग डरेंगे। फिर भी खुश है। मुझे बता दे किसी की जिंदगी में कोई बदलाहट आ गई हो, सब लोग उसी तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक टेस्टिंग है। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी हम अब सखा बैलेंस पे भी आते हैं, जिस पर आपने अभी बात की थी कि बहुत सारे, और मैंने भी आपके कुछ वीडियोस भी देखे, खासकर वो टेस्टिमोनियल डॉक्टरों के देखे, काफी प्रशंसा वो करते हैं कि कई कई सालों से वो अपना खुद का इलाज कर रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटलों में करा रखा है, लेकिन वो आपके यहाँ सखा बैलेंस में आकर के वो ठीक हुए हैं। तो वैसे तो कुछ जानकारी इस ग्लोबल न्यूज के माध्यम से आपने शुरुआत में दी थी हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में, लेकिन उसको थोड़ा सा, चूंकि अभी काफी समय भी हो गया है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए होंगे आपके इस सखा बैलेंस में, तो मैं अब जानना चाहूंगा सबसे पहले तो कि शुरुआत से थोड़ा बताएं कि पहले तो सखा बैलेंस में कोई भी मरीज आता है किसी भी बीमारी का, तो सबसे पहले तो उसको आप एज ए डायग्नोस कैसे करते हैं, उसकी बीमारियां पहचानते कैसे हैं, उसको कैसे आप अपने पास रखते हैं, या उसको केवल दवाइयां कुछ देते हैं, शुरुआती प्रोसेस क्या रहता है जब आपसे कोई संपर्क करता है मरीज? देखिए, पहले तो सुमित एक बात हम आपको बताएं कि हम लोगों ने केवल डॉक्टरों को ही ठीक करने का ठेका नहीं उठाया हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे जैसा एक इंसान, जिसको ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए नकार सकते हैं कि मेरे पास कोई डॉक्टरों की डिग्री नहीं है, उसके लिए ये खुशी की बात है कि उसके 5% क्लाइंट लगभग आज की तारीख में डॉक्टर्स हैं। 5%,
5% क्लाइंट जो हैं वो डॉक्टर हैं। अब कई बार लोग ये पूछते हैं कि यार फिर आपके पास ये डॉक्टर कैसे इतने सारे आ जाते हैं, या डॉक्टर क्यों आपकी पैथी पे? उसके दो कारण हैं। देखो आप तो आचार्य रजनीश से भी जुड़े हो, मैं तो सन्यासी हूँ उनका, तो एक छोटी सी बात करते हैं। आचार्य रजनीश की जो विद्वानता थी उसको दुनिया में कौन समझ पाया स्टार्ट में? उसको वही लोग समझ पाए जो बहुत पढ़े लिखे थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े राजनीतिक थे, वही समझ पाए। लेकिन आज भी ओशो की देशना को एक गांव का आदमी नहीं समझ सकता। बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि मैं बिल्कुल ही एक नवीन थेरेपी की बात कर रहा हूं, नए ढंग से कर रहा हूं, है तो साइंटिफिक पूरी पूरी, लेकिन इसको समझने की बुद्धि उन्हीं के पास है जो बाकी और पैथियों की जानकारी रखते हों। क्योंकि जो किसी पैथी की जानकारी रखता है उसको उसकी कमियां भी पता होती हैं। जानकारी का मतलब केवल अच्छा ही मत मानना। अगर कोई व्यक्ति पुताई करता है तो उसे ये भी पता है कि कौन सा कलर किस दीवार पे अच्छा चढ़ेगा, और उसे ये भी पता होता है कि इस कलर को बाबूजी करवा तो रहे हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ही पछताएंगे। तो दोनों जानकारियां होने के कारण उससे बात करना आसान हो जाता है। ठीक है। लेकिन जिन लोगों को इस तरीके का हिप्नोटिज्म दिया गया हो कि केवल डॉक्टर ही बीमारी का इलाज कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यह समझाना कि सखा इलाज कर रहे हैं हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होता है। सही बात है। क्योंकि उनको सिखाया यही गया है कि डॉक्टर जो है वो बीमारी का इलाज करेंगे और तो कोई करेगा नहीं। लेकिन ये तो डॉक्टरों की कम्युनिटी को पता है कि उनमें कितने बीमार हैं जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे। ये भी नहीं है कि हम सारे ही डॉक्टरों का या लोगों का वीडियो डालते हैं। सच बात तो ये है, आप समझ सकते हैं इस प्रोफेशन में कि आपके कैमरे के सामने कितने लोग आने की हिम्मत करते हैं। बहुत ना के बराबर। अब आप ये समझो कि आप तो किसी की जिंदगी का भी खुलासा नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी के सामने लेके माइक पहुंच जाओ तो जल्दी बात करने से राजी नहीं होता। सही बात है। 100 के पास माइक लेके पहुंचो ऑन रोड तो एक बात करेगा। सही बात। और फिर अगर उसी की ही बात हो तब तो बिल्कुल ही करने से घबराएगा। तो हमारे पास जो लोग इलाज के लिए आते हैं उनमें से कोई 1-8% लोग ऐसे होते हैं जो जिनमें ये भाव होता है कि अगर हम ठीक हुए हैं तो दुनिया को हम बता सकें कि आप भी ठीक हो सकते हो। तो जो लोग बता सकते हैं हम उनको कहते हैं कि ठीक है भाई आप बता दें तो बहुत अच्छी बात है। उनमें से भी कई लोग बताने के बाद भी फिर उन्हें लगता है कि हम कह नहीं पाए सही से, तो फिर हम लोग वो वीडियो नहीं डालते कि चलो अभी आप कंफर्ट नहीं हो तो नहीं डालेंगे। तो डॉक्टर्स जो हैं वो हमारी बात अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस पैथी से वो इलाज अभी तक लेते आए हैं उन पैथी में इन चीज़ों का इलाज संभव नहीं है। और हाइड्रोजन के संबंध में उनको पढ़ने में, देखो सुमित हमारे पास इलाज महंगा होता है। महंगा होने के पीछे हम पहले भी कारण बता चुके हैं, 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि बाहर से मशीनें आती हैं। दूसरा कारण ये है कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी बात, आज के दौर में हर तरीके की चीज़ों के खर्चे बहुत हैं। चौथी बात यह है कि हम जिन लोगों के लिए करते हैं, जो लोग भाई थोड़े से समझ सकें, तो जाहिर सी बात है हमारा क्लाइंटेज वही है जो इसको समझ सकता है। जो समझ सकता है वो इंटेलेक्चुअल है, पैसे वाला है। तो पैसे वाला आएगा तो उसके लिए लग्जरी भी चाहिए, उसके लिए कम्फर्ट भी चाहिए, उसके लिए AC भी चाहिए, उसके लिए अच्छी बेडशीट्स भी चाहिए। तो सब कुछ हमें अच्छा करना पड़ता है। तो इन सब की वजह से थोड़ा सा इलाज महंगा होता है। तो जब कहीं महंगा भी इलाज होता है तो भले कितना पैसे वाला हो वो उस इलाज के संबंध में खूब खोज करता है। बिल्कुल। हमारे पास आदमी आता है तो ये मत समझना कोई आंख बंद करके आ रहा है, वो खूब बिल्कुल ढोक बजा के अपनी रिसर्च कर लेता है तब आता है। जी। और रिसर्च करने पे उसे पता लगता है कि हम जो है यूनिक है, हम कुछ नया कर रहे हैं, नए ढंग से कर रहे हैं। और इसीलिए हमें लोग समझ सकें, क्योंकि हमारी पैथी में केवल हाइड्रोजन ही शामिल नहीं है, ज्योतिष भी शामिल है। और ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान है, इसको बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता। अगर जिस दिन भी मैं ज्योतिष को इससे हटा दूंगा हमारी ये पैथी किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो ज्योतिष को तो समझना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ज्योतिष को तो निंदा दी गई हर तरफ से,
इसको इसको प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आप मुझे मालूम है आपका हृदय वहां जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ये कहूंगा कि बुद्ध के मानने वाले इतने अनुयायी इस देश में हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बुद्ध को मानता है, लेकिन बुद्ध को मानने वाला वर्ग अगर मैं कहूं कि ज्योतिष की बात, तो वो कहेगा कि ज्योतिष ज्योतिष बकवास होती है, बुद्ध को इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब ज्योतिष वो पैदा हुए थे तब ज्योतिष बता गए थे कि बुद्ध ऐसे होंगे, ये बात वो भी मानेगा कि हाँ बुद्ध के बारे में ज्योतिषों ने ये कहा था, लेकिन ज्योतिष कुछ होता है ये वो नहीं मानेगा। सही बात है, कॉम्प्लिकेशन है, देखो बिल्कुल बिल्कुल रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ज्योतिष जैसी साइंस, जो व्यक्ति कहता है कि जैसे मैं भी कहूं कि मैं लोगों को ठीक कर लेता हूं, तो अब आदमी मेरे पीछे पड़ जाएगा, प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ करो। और मैं ये कहूं कि तुम एक छोटा सा काम करते हो, तुम अभी तुम एक चैनल चलाते हो, न्यूज चैनल, मैं तुमसे पूछूं कि प्रूफ करो कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखने से पहले चाहता हूं तुम मुझे प्रूफ कर दो ठीक हो, अब बताओ क्या आप प्रूफ कर पाओगे पूरी जिंदगी लगे रहने के बाद भी? आप सही हो गलत हो प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, और आप प्रूफ कर दोगे तब भी कोई संदेह उठा देगा तो क्या कर लोगे? तो ज्योतिष के साथ प्रॉब्लम यह है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ी साइंस है। जो लोग जीन कुंडली को मान लेते हैं कि जीन होता है, उसमें लिखा होता है कि ये आदमी 20 साल की उम्र में कितनी हाइट का होगा, जीन में लिखा हुआ है, डॉक्टर मानते हैं, लेकिन वही डॉक्टर जीन कुंडली को नहीं मानेंगे। अब ये बोले कुंडली में भी लिखा होता है कि इतनी उम्र का जब होगा तो इतनी हाइट का हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानेंगे। जो डॉक्टर ज्योतिष को भी अभी हम और थोड़ा डिटेल में आपसे नहीं, मैं इसलिए अभी जो मेरा सवाल था ये बात मैं वही ला रहा हूँ, ये बात मैं वही ला रहा हूँ, मैं भटका नहीं हूँ। देखो तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जिस तरीके से लोगों का इलाज करते हैं उसमें डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग ज्योतिष का भी सहारा लेते हैं। अच्छा, आपका यही तो प्रश्न था ना कि हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं? तो स्टार्ट ये होता है कि हम लोगों से पूरा फॉर्म भरवाते हैं, एक फॉर्म हमने डिजाइन किया है, उस फॉर्म में सारी जानकारी होती है, उस जानकारी में यदि वो चाहें तो उसने जो रिपोर्ट्स डॉक्टरों की कराई है टेस्टिंग की वो भी लगा सकता है, तो हम लोग उसको भी अच्छे से उसको देख लेते हैं, हमारे पास डॉक्टर्स की टीम भी है, तो हम लोग उसको अच्छे से देखते हैं समझते हैं, फिर कुंडली में एनालिसिस करते हैं, और उस कुंडली के एनालिसिस से ये समझते हैं कि इस बीमारी का बेस क्या है, इसके कारण क्या है, कौन सी एनर्जी मिक्स हो गई और कौन सी एनर्जी मिक्स होकर इसकी ये प्रॉब्लम बन गई, तो वहां पे हम उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो पहला प्रोसेस है उसका फॉर्म भरना, फॉर्म भरने के बाद उसकी स्टडी होती है, स्टडी होने के बाद उस आदमी को हम बताते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम ये है और अनुमानिता इतने दिन में ठीक होगी। अच्छा, और उस अनुमान में ठीक होगी इस तरीके के खर्चे आएंगे। दो प्रोसेस होते हैं, पहला प्रोसेस कि आप हमारे पास आके भी इलाज करा सकते हैं, दूसरा प्रोसेस आप घर में रह के भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्यों आए उस पर भी बता देता हूँ। जब हमारे पास लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, तो क्योंकि हमारे पास जो इलाज कराने आते हैं तो हम लोगों के प्रोसेस में 21 दिन से कम का समय नहीं निकलता। अच्छा, 21 दिन से कम का समय नहीं निकलता, लगभग 21 दिन तो निकलेगा ही निकलेगा, उससे ऊपर अच्छा। भी जाता है 3 महीने 6 महीने, इवन कि कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका 2-2.5 साल का समय निकला है, इतना समय भी लगेगा उनको ठीक होने में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे, क्योंकि देखो भाई मैं रहता हूँ इस समय चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में आप समझ सकते हो कि एक होटल, सामान्य से होटल का कमरा भी लोगे 5-6 हजार रुपए का खर्चा है, फिर अगर आप वहां से हमारे सेंटर आओगे जाओगे 2 बार थेरेपी लेने तो उसका भी खर्चा आप जोड़ लो 1000-2000, फिर आप उसमें खाने पीने का सब जोड़ लो, तो कुल मिलाकर ये थेरेपी का खर्चा जो है वो हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं तो उसमें 11 हजार रुपए का खर्चा होता है पर डे का, अब उसमें GST भी शामिल है तो 13 हजार रुपए के आसपास का खर्चा होता है। अब 13 हजार रुपए का खर्चा यदि कोई व्यक्ति 3 महीने का इलाज निकल आया तो उसका लगभग 12 लाख रुपए के आसपास खर्चा होता है। अब 12 लाख वो व्यक्ति दे नहीं सकता, या दे सकता है लेकिन हम चाहते हैं कि क्यों इतना खर्चा करे, तो हमने एक प्रोसेस बनाया कि 3 महीने से ऊपर के जो क्लाइंट हैं वो लोग अपने घर में रह के इलाज करा सकते हैं, उसमें हम लोग उनको एक मशीन प्रोवाइड कराते हैं और बाकी सारी काउंसलिंग जो है वो यहाँ से होती है टाइम टू टाइम।
सब कुछ उन्हें बताया जाता है, कौन सा धागा होगा, किस टाइम पे लेना है, किस तरीके की आपको रेमेडीज लेनी है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये सब कुछ। हमारे में दवाई का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, हम किसी भी दवाई का सजेशन नहीं देते, कोई दवाई का सजेशन नहीं, क्योंकि हमारा ये मानना है दवाइयां कुछ कर नहीं रही है। दवाइयां ठीक कर रही होती मेरे पास क्यों आएगा वो 8-10 लाख रुपए खर्च करने। तो इस तरीके से हमारे इलाज होता है, एक यहाँ आके और दूसरा घर पे रह के जी। तो ये सारा प्रोसेस है। तो अभी जो हाइड्रोजन आप मशीनों से देते हैं, फिर वो घर पर कैसे ले पाते हैं, या पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ हाइड्रोजन के अलावा और कौन कौन सी थेरेपी आप पहले तो अपने वेलनेस में देते हैं और फिर घर पर भी अगर लोग करते हैं तो वो कैसे हैंडल कर पाते हैं फिर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों की जो पैथी है वो उसको एक ही पैथी मान लो, सखा वेलनेस का ही अभी तक नाम नहीं दे पाए, तो आप लोग नाम दोगे भविष्य में, जो लोग ज्यादा निंदा करेंगे जिस नाम से वही रख लेंगे हम, तो सखा पैथी रख लो। तो उसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन मशीन होती है जिसमें से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है जिसको हम इंसान को देते हैं, तो वो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही दी जाती है। लेकिन उसको कितनी मात्रा में लेनी है, मशीन कौन सी किस केस में इस्तेमाल होगी, ये डिफरेंट होता है, ये अलग अलग है, कोई एक ही चीज नहीं है कि आप एक ही चीज है आंख बंद करके लिए रहो, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मशीनें जो हैं इसकी मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन से आज की तारीख में डायमंड भी बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, बाजार में जो डायमंड्स आते हैं उनमें से 2 डायमंड्स होते हैं, एक नेचुरल और एक जो है लैब में बना हुआ। लैब में जो डायमंड बनता है उसमें एक मशीन का इस्तेमाल होता है, वो भी हाइड्रोजन मशीन है, और वो मशीन लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की आती। अच्छा। तो इसमें भी डेंसिटीज के खेल हैं, है ना। अभी हाइड्रोजन से एक ऐसी मशीन भी आने लगी है कि आपके गाड़ी में जो कार्बोरेटर होता है जिसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो एक हाइड्रोजन मशीन ऐसी भी आ गई है कि आपकी गाड़ी में वो आप लगाइए और 40 मिनट में उसका सब कार्बोरेटर साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है और वो तुरंत ठीक किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन की इतनी संभावना है कि दुनिया में बहुत काम हाइड्रोजन से फ्यूचर में होने वाले हैं। तो पहला हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है हम लोग ज्योतिष के माध्यम से सारा एनालिसिस करते हैं, और फिर एक रागा होता है, रागा मतलब म्यूजिक्स हैं, बहुत तरीके के म्यूजिक्स हैं, वो म्यूजिक्स हम देते हैं कि वो म्यूजिक जो हैं आदमी को उसके साथ सपोर्ट करते हैं उसकी एनर्जी को बैलेंस करने में जी। और वो ये 3 चीजें हैं, और साथ में एक चौथी चीज है वो थोड़ी सी हिडन है, वो एक तरीके का योग निद्रा का एक मेरा प्रयोग है, मैंने उसको अपने भाव से जोड़ा है, वो एक अलग बात है, वो उन्हीं सबके बीच है, वो इतना साइलेंट है कि पता भी नहीं लगता, लेकिन ये चारों चीजें मिलके हमारी पैथी को पावरफुल बनाती हैं। और इस पैथी के लिए जरूरी नहीं है कि कोई आदमी हमसे आके कोई ट्रेनिंग सीखेगा, हम लोग कोई आता है उसे बस सिर्फ मशीन मैनेज करना सिखाते हैं, बाकी सब कुछ उसे ऑनलाइन बता दिया जाता है कि वो किस तरीके से होगा। हमारे तो मशीन क्या लेनी पड़ती है क्या मरीज को? बिल्कुल लेनी पड़ती है जी, मशीन जब हम किसी को देते हैं, आप 2-2.5 करोड़ की बता रहे हैं, वही मशीन की बात कर रहे हैं या कौन सी? ना, इसमें जो हम मशीन प्रोवाइड करते हैं, तो हमने क्योंकि वो रेट्स ऊपर नीचे हैं, लेकिन हमने एक ही रेट रखा है लगभग इस समय। पूरा खर्चा हमारा, अगर कोई व्यक्ति घर बैठे इलाज लेता है तो पूरा खर्चा लगभग 8 लाख रुपए का आता है, जिसमें उसको एक मशीन मिलती, एक मशीन मिलती है और 18% जीएसटी भी शामिल है, और साथ साथ उसमें जितनी भी काउंसलिंग होगी, चाहे 3 महीने चाहे 6 महीने, वो पूरी काउंसलिंग उसमें शामिल होती। और इस मशीन के साथ एक फायदा ये है कि यदि आपके घर में 10 लोग हैं और एक व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी है, तो उस व्यक्ति के लिए ही आपने लिया है, लेकिन हम बाकी के 9 लोग भी फ्यूचर में कैसे स्वस्थ रह सकें उनके लिए भी गाइडेंस देते हैं, और उसमें आप उस मशीन के माध्यम से उपयोग करके उनको भी स्वस्थ रखने का काम कर सकते हो। तो यानी कि एक पूरे परिवार के लिए पैकेज हो गया जी। तो ये पूरे परिवार के काम आती है। अब आप देखो, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं, दिखने में 8 लाख बड़ा लगता है, अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस कराने में आ जाए, किडनी खराब हो जाए और वो डायलिसिस पे आ जाए, तो हफ्ते में 2 बार कराने जाना और उसके खर्चे, फिर उसकी पूरी जिंदगी की परेशानियां,
ये कितने ज्यादा खर्चों की तरफ लेके जाती है आप अभी अंदाजा नहीं लगा पाते। पूरे खर्चे जोड़ो तो 20 लाख का खर्चा कर देता है आदमी जी। अगर अभी आपके आपको कोई भी हार्ट अटैक पड़ जाए, अभी आप कुछ भी होने लगे तो आप जाओगे स्टेंट डालने की तुरंत बात होगी। अब स्टेंट डालने के भी खर्चे होते हैं। अब आप कहोगे वो तो कार्ड चल जाता, आयुष्मान कार्ड और पता नहीं कौन कौन से कार्ड चलने लगे, लेकिन आप बताओ क्या 100% कार्ड का खर्चा उससे हो जाता है? ना बिल्कुल ना, एक्स्ट्रा बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं। सही बात तो ये है कि एक रिसर्च हुई थी तो पता लगा था कि जो लोग बीमा भी अपना करा लेते हैं उन बीमा कराए लोगों को जो खर्चा करना पड़ता है वो भी टोटल खर्चे का 69% होता है। बताओ। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये रिसर्च जो की गई उनके आंकड़े हैं कि 69% खर्चा हो जाता है। दिख तो रहा है कि आपका मुफ्त में हो रहा है, मुफ्त में कुछ नहीं हो रहा। तो हम थेरेपी से ये किडनी डायलिसिस जैसी या इतनी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां भी सब मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। हम लोग कैंसर ठीक कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑटिज्म ठीक कर रहे हैं, हम लोगों ने सीपी ठीक किए हैं। सीपी सबसे खतरनाक बीमारियों में एक है जो बच्चों को जो बच्चों को होती है, सेलेबर पल्सिक करके बीमारी है जो बच्चों में होती है, जिसमें माँ के पेट से बच्चे को एक ज्वर लग जाता है जिसकी वजह से उसके दिमाग के कुछ सेल्स जो हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चा अपने बिस्तर पे ही जिंदगी भर बढ़ता है लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता और उसकी पूरी घर की जिंदगी एक तरीके की डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी माँ की तो जिंदगी बिल्कुल नर्क हो जाती है क्योंकि वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती और उसमें बच्चे की डेथ भी नहीं होती जल्दी, वो बढ़ता रहता। तो इस तरीके के बच्चों को हम लोगों ने 100% ठीक किया। उसके आप वीडियो भी देख सकते हैं। को भी लेकर के काफी लोग पूछते हैं कि किस चीज को भी सफलता मिली है क्या? किस चीज को? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके कुछ होता है तो एक दो बच्चों को। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत इजी है। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जिस तरीके से इसको खोजा है उसमें ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान है। ज्योतिष के माध्यम से आपकी एनर्जी के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है और उसको ठीक करने के लिए किस तरीके की एनर्जी का सपोर्ट दिया जा सके। तो ज्योतिष के माध्यम से बहुत आसानी से इसका फायदा, देखो आपको बताएं कि किसी को अगर आजकल वो पथरी बहुत हो जाती है लोगों को जी, है ना, और गॉल ब्लैडर की पथरी सबसे ज्यादा खतरनाक बोली जाती है। गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हुई तो डॉक्टर के पास एक ही इलाज है कि इसको निकाल दो, जबकि गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया जाए, एक आध केस को छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर निकलने के बाद बहुत प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ज्यादातर केसों में फिर उनको पाचन शक्ति उनकी खराब हो जाती है, वो हैवी चीज नहीं खा सकते, घी वगैरह नहीं खा सकते, कई तरीके की दिक्कत होती। तो हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि गॉल ब्लैडर की पथरी थी और छोटी मोटी नहीं थी, पूरा गॉल ब्लैडर भरा हुआ था, 10 mm की उनके साइज हो रखा था, उसके साथ साथ उनकी बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स थी और हम लोगों ने उसको 3 महीने में ठीक किया। बिल्कुल। और जब और कमाल की बात है, अब देखो इसे मैं कहता हूं कि इंफॉर्मेशन कैसे करके गलत फैलाई जाती। गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में सारे डॉक्टरों के पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि ये ठीक नहीं होती जी। तो जब हमारे पास वो पेशेंट आया, उसकी पास उसने जो रिपोर्ट दी थी जिसमें उसने अपना रिपोर्ट में दिख रहा था कि उसको गॉल ब्लैडर में पथरी है जी। तो जब हमने उसको एक एक महीने के बाद टेस्ट करवाए तो जब उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में वो पथरी का साइज कम आया, तो डॉक्टर कहने लगे तुम्हारी कोई रिपोर्ट गड़बड़ है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये साइज कम हो सकता है, बोले गड़बड़ है। और जब तीसरी रिपोर्ट में उसको बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो गया तो डॉक्टर बोले हैं कि कोई तो गड़बड़ है, तुमने हमें या तो रिपोर्ट पुरानी वाली गलत दिखाई है या तुम्हारा कुछ गड़बड़ है। अब आप समझो वो ठीक होने पे विश्वास नहीं कर पा रहे। सही बात है, बिल्कुल। तो ये भी होता है हर तरीके। देखो मतलब घुटनों में लोगों के दर्द है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपके पैरों में ग्रीस खत्म हो गई जी।
तो एक एक चुटकुला है कि एक किसी को बोला डॉक्टर ने कि हमारे पैरों की ग्रीस खत्म हो गई, बोले हुजूर बाहर गाड़ी खड़ी है हमारी, हम तो ट्रक चलाते हैं, ग्रीस तो अभी लेके आते हैं, डाल दो। तो ग्रीस से बात नहीं है, हमारे पैरों की जो प्रॉब्लम है, लोगों के घुटने खराब हो गए हैं, दुनिया भर का इलाज करा रहे हैं, लोग तो अब घुटने बदलवाने भी लगे हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास आइए और हम आपको ठीक करके भेज देंगे, एक भी आपको दवाई नहीं खिलाएंगे, एक भी आपको दवाई नहीं खिलाएंगे, बस ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। अब कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आपने एक वीडियो डाला था जिसमें आपने बोला था कि हमने 3 महीने में ठीक कर दिया, तो हमारी प्रॉब्लम को भी 3 महीने में ठीक कर दो। नहीं, हम कहते हैं हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति भिन्न है, हर व्यक्ति का शरीर भिन्न है, मनोदशा भिन्न है, खान पान भिन्न है, पैदा होने का समय भिन्न है, माँ बाप भिन्न है, सब भिन्न है। तो हम हर व्यक्ति को पूरे तरीके से जब तक जांच नहीं कर लेंगे, तब तक हम उसे नहीं कह सकते तुम्हें समय कितना लगेगा। तो ये भी हमारे में होता है कि हर व्यक्ति का हम अलग से पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे। कुछ ऐसे भी केस आए हैं, कुछ ऐसे भी केस हमारे पास आए जिन्हें मैं मना करना पड़ा, क्योंकि उनकी स्थिति दिख रही थी कि ये ठीक नहीं हो सकते। और कई केस तो ऐसे भी आते हैं जिनमें स्पष्ट दिख रहा होता है कि ये ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन ये उपचार की तरफ जाएंगे ही नहीं। ऐसे भी केस आते हैं, मतलब ये दिख रहा होता है कि ये उपचार की तरफ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये पैसा बचाएंगे। आर्थिक स्थिति भी दिख जाती है मन, या मतलब वो कैसे पता चलता है करवाएंगे नहीं? वो भी पता लगता है कि उस व्यक्ति के कौन से ग्रह जो हैं वो रुकावट डालेंगे इसको होने में। ये भी पता लगता है कि इस व्यक्ति को इलाज बताने के बाद भी ये ले नहीं पाएगा, ये मकारी दिखाएगा, ये कुछ ना कुछ करेगा ऐसा। मतलब ऐसा समझो कि अगर तुम्हारे ग्रहों की तुम्हारे अंदर एक चुंबक लगा दी जाए, जो जिससे कहा जाए कि तुम्हें इस गेट से क्रॉस होना है, और वहां पे चुंबक की नेगेटिव फोर्स लगी हुई हो, तो तुम दरवाजे के पास जाओगे फिर लौट आओगे, दरवाजे के पास जाओगे फिर लौट आओगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको धक्का देगी। तो उसी तरीके से ग्रहों स्थितियों में भी ये पता लग जाता है कि किस व्यक्ति को इलाज हो सकता नहीं, लेकिन क्योंकि देखो हम इलाज करने बैठे हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं कि हाँ आपका हो सकता है, और बाद में मुझे मालूम है जब मना भी करता है तो हम मुस्कुराते हैं कि हमारी रिसर्च और कंफर्म होती जा रही है कि इस केस में हमने पहले टिक लगा के रखी थी कि ये लेगा या नहीं लेगा। लेने वाले का भी पता लगता है कि ये व्यक्ति ले सकता है। अच्छा, कुछ केस ऐसे भी तो होते होंगे सका जी, जैसे अभी ट्रीटमेंट मरीजों का चल रहा है, इन बिटवीन कुछ ऐसी इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती होगी जो शायद हैंडल करने में आपको भी कुछ परेशानी आती होगी, तो क्या कुछ पहले तो ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो इमरजेंसी को फिर कैसे आप हैंडल करते हैं इलाज के दौरान अगर कुछ ऐसा हो जाता है? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहली बात तो यह कि इमरजेंसी केसेस हमारे पास आज तक केवल 3 आए हैं, केवल 3 केसेस जो इमरजेंसी के ही थे, जिन्हें मतलब इमरजेंसी में ही डील किया जा सकता था। एक हार्ट अटैक का केस था, एक जो है किसी के एक ब्लीडिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरी थी और बहुत ब्लीडिंग हो गई थी, तो इस तरीके के केस आए, 3 आए हैं, एक और केस था। तो ये तीनों केसेस जो हैं हमने बहुत आसानी से हैंडल कर लिए, जबकि तीनों केसेस इत्तेफाक की बात है मेरे बहुत क्लोज थे, तीनों केसेस अच्छा। मेरे बहुत क्लोज जानने वाले थे, और उस केस में यदि कुछ हो जाती गड़बड़ तो मुझे मतलब मेरे परिवार में और ख़ानदान में मुँह नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमने फिर भी, क्योंकि हमें अपनी पैथी पे भरोसा है, हमें अपने पे भरोसा है, हमें अपनी जो स्टडी है उस पे भरोसा है, और बाकी तो प्रैक्टिस है, बाकी तो प्रैक्टिसर हैं, हम भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन इमरजेंसी को हमने अभी तक डील किया। हाँ, लेकिन बीच में कई बार केसों के बीच में स्टडी में आती है, तो वो देखो अलग अलग कारण होते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों की पैथी में टाइम की बहुत पंक्चुअलिटी होती है, बहुत पंक्चुअलिटी, मतलब सबसे ज्यादा अगर पंक्चुअल कोई चीज हमारी पैथी में है तो वो समय है जी। अब हमने आपको कुछ समय बताया कि आपको इस समय पे लेना, अब इत्तेफाक से उसी समय पे आपके कोई काम निकल आए, अब आप कहते हैं यार काम हम नहीं छोड़ेंगे, अब ये तो फिर गड़बड़ है, जबकि हम लोग कोशिश करते हैं कि उन चीजों को भी हैंडल करना, उन ऊर्जाओं को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी पैथी का सही में दुनिया को लाभ तभी है जब दुनिया की जो
डेली की गतिविधियां हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। जी। अगर जिंदगी डिस्टर्ब हो गई और आदमी का इलाज हो गया तो क्या हुआ? तो कोशिश ये होती, लेकिन ये एक खोज का प्रोसेस है कि किस दिन हम इस योग्य हो जाएंगे कि हम किसी को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें और उसका इलाज कर लें। लेकिन फिलहाल तो समय की सबसे पंक्चुअलिटी है। दूसरी बात, कभी कभी एक केस ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों के लिए बहुत एक तरीके से दुखदायी होती। वो कैसी होती है? जैसे कि किसी ने हमारी पैथी ली, अभी कैंसर का एक केस था, कैंसर के केस में उनकी पैथी चल रही, अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा, लेकिन वो बेचारे व्यक्ति जो थे वो गरीब थे, तो उनको उनके एक रिलेटिव थे जो कि NRI थे, उन्होंने उनके इलाज के लिए पैसे दिए। अब निश्चित ही वो गरीब थे तो भाई उन्होंने इलाज के लिए पैसे लिए, तो अब उनके और भी रिश्तेदार थे जो NRI थे, तो अच्छा खासा उनका ट्रीटमेंट चल रहा और मतलब एक तरीके से धीरे 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 वो मतलब अच्छे हो गए। लेकिन फिर अचानक बीच में उनके यहाँ एक और NRI आते हैं, उनके वो कहते हैं जी कि ये क्या कर रहे हो जी, आप कौन सी पैथी लेने लगे, ये तो अच्छी है नहीं, और वो उनको ले गए और तुरंत जाके उनका जो है वो कीमो करवा दिया। अरे तो अब हमने जितना किया वो बेकार हो गया, जीरो हो गया। सही बात है। अब अगर वो कहें कि अब जी आपने तो इतना टाइम दिया था, तो भाई हमने टाइम ये दिया था कि इस पैथी को अगर तुम सही से इस्तेमाल करोगे तब ये होगा, लेकिन आपने तो फिर जीरो कर दिया, सब चीज जीरो हो गई और जीरो से भी नीचे चली गई। तो इस तरीके की जो परेशानियां होती हैं इनको डील करने के लिए हम इंसान से इसीलिए बात करते हैं कि आपको हमारे अगर थेरेपी लेनी है तो थोड़ा थोड़ा आपको ज्योतिष ज्ञान भी लेना चाहिए। ज्योतिष ज्ञान है क्या है? देखो वो हम क्यों आजकल लोगों से बात कर रहे हैं कि आप ज्योतिष सीखिए, क्योंकि जब आप खुद बेसिक सीखे होते हैं तो आपके साथ संवाद करना आसान हो जाता है। जैसे तुम्हें हिंदी आती है तो हिंदी में संवाद करना इजी है, अब किसी को हिंदी ना आती हो तो संवाद कैसे करोगे? तो मनुष्य को अपनी लैंग्वेज के साथ जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक उससे गहरे संवाद नहीं हो सकते। तो हम लोगों को सिखाते हैं कि आप थोड़ा सा ये भी सीखिए, थोड़ा आप नक्षत्रों को सीखिए ताकि आपको विश्वास हो, हम आपको बताएं कि फला नक्षत्र इस समय चलेगा तो आपकी उस स्थिति में ये आपको प्रकॉशन लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए हम तो शुरुआत में ये बता रहे हैं कि हमारी पैथी की टाइमिंग ये है, लेकिन आपके नक्षत्र, आपके परिवार के नक्षत्र भी काम कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस के सब नक्षत्र काम कर रहे हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करने पर आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? अच्छा, तो ये ज्योतिष में नहीं दिखता है कि मतलब परिवार की भी। देखो अब एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अब यहाँ पे यही है बातें, वो बातें हैं जिससे ज्योतिष को अपमान करना आसान है, लेकिन समझने की कोशिश करो जी। आपके दिमाग में 100% क्या आप दवा का इस्तेमाल करते हो? नहीं, कोई भी नहीं करता वैसे तो, कोई भी नहीं कर सकता। अब क्या एक बात बताओ, हर क्षण यानी कि हर 30-40 मिनट बाद ग्रह बदल रहे हैं, हम सिर्फ एक एक व्यक्ति का इलाज अगर हम करें कि हम उसे एक एक क्षण का बताएं, तो यानी कि पूरी जिंदगी में मैं एक ही व्यक्ति का इलाज कर पाऊं। सही बात है, ये भी है। आप समझने की कोशिश करो ना, मैं कहता हूं, मैं इस बात को कहता हूं कि जो इस पृथ्वी पे ज्योतिष का सबसे अच्छा जानकार होगा, सबसे अच्छा जो ज्योतिष जानता होगा, वो 8% से ज्यादा नहीं जानता होगा ज्योतिष को। अच्छा, 100% ज्योतिष अगर तुम सीख जाओ तो 100% ज्योतिष देखने वाला व्यक्ति कुंडली भी नहीं देखेगा, वो आपके शरीर को देख के, आपको देख के तुरंत आपके भविष्य और आपके अतीत के बारे में बता देगा। तो महाभारत काल की घटनाएं समझो, कई ऐसी बातें हैं जो पौराणिक हैं लेकिन उनके रहस्य हम समझ नहीं पाते। जैसे कि द्रौपदी ने कहा कि हे भगवान मेरा पति कैसा होगा, उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मेरा पति कैसा होगा, तो कृष्ण क्योंकि ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने जो 16 ललित कलाएं सीखी थी उसमें एक ज्योतिष भी थी, और उस ज्योतिष के अनुसार कृष्ण ने तुरंत कहा कि तू जानती नहीं है
कि पिछले जन्मों में तूने साधना काल के दौरान ऐसे पति की मांग की थी जिसमें ये गुण हो, और ऐसे गुणों से संपन्न कोई होता नहीं, इसलिए तेरे 5 पतियों में ही मिलके ये गुण निकलेंगे। अब सोचो, कृष्ण से प्रश्न पूछा और कृष्ण उसके अतीत के जन्म में जाके बात बता रहे हैं, और कृष्ण के पास कोई आया और कृष्ण बता रहे हैं कि भविष्य में इसके साथ क्या हो सकता है, उसकी प्लानिंग वो अभी से कर रहे हैं। आज ये मेडिकल उसके साइंस के हिसाब से भी प्रूफ हो जाती हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता था कि जयद्रथ जो है वो इस समय शाम के वक्त इसी इस तरीके से बैठेगा, जिस समय चिता में बैठने के लिए अर्जुन जाएंगे उसी वक्त जो है वो सूर्य ग्रहण लगेगा और अंधेरा होगा, और उसी वक्त जो है अर्जुन से कहेंगे कि अंधेरा हो गया, मार डाली से। वो बहुत बहुत मतलब कैलकुलेटिव माइंड के व्यक्ति थे, इसीलिए वो फ्यूचर और अतीत को जानते हुए जो है सारी चीजों को मैनेज कर पाते थे। तो मैं ये कहता हूं कि साइंस तो है, डेफिनेटली साइंस है, लेकिन अभी मैं तो उसका 1% भी नहीं जानता, और 1% भी ना जानने में मैं इतना काम कर पा रहा हूं। परमात्मा मुझे और मेरी योग्यता बढ़ाए और मेरी क्षमता बढ़ाए। देखो कई बार क्या होता है, अगर मैं 100% की बात करूं, बलिया तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई 100% जिएगा तो वो फिर तो वो खाएगा भी नहीं ना, क्योंकि खाना बाहर कृत्य हो गया, सोना बाहर कृत्य हो गया। मैं आपसे वीडियो पे भी कैसे बात करूंगा, क्योंकि वो भी तो फिर 100% में नहीं आएगा ना। यानी कि 100% होने के लिए 100% एनर्जी को उसी में डूबना पड़ेगा, और जब मैं 100% ज्योतिष में डूब जाऊंगा तो फिर किसी के काम कैसे आऊंगा, क्योंकि काम आने के लिए बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी कोई भी वैज्ञानिक है, कोई भी डॉक्टर है, क्या वो 100% डॉक्टरी जानता है? जी, बता दीजिए, नहीं जानता ना। 100% कोई नहीं है। तो जब वो 100% नहीं जानता तो हमें भी समझो भी हम 100% नहीं जानते, लेकिन जितना जान सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सगर, जब भी देखिए इस तरह के आप जैसे लोग रेवोल्यूशनरी काम करते हैं बड़े बड़े, एक मैंने ओशो को देखा कि भी उनको अमीरों का गुरु कहा जाता था, और जैसा कि भी आपको पूरा प्रोसेस अभी पता चला है अभी ऑडियंस को, तो उनके मन में यही आएगा कि अभी ये अमीरों के डॉक्टर बन गए हैं, तो क्या गरीबों के पास कुछ ऑप्शन है? हालांकि भी जैसे ओशो ने भी इसका मैं बताता हूं, चलो मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। जी, देखो मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले हमारे यहाँ लोग जब इलाज कराने आते थे तो उनको 11,000 पर डे का लगभग खर्चा होता था। तो जब मुझे प्रतीत हुआ कि वो ज़्यादा होता है, तो मैंने उसको करने के लिए क्या कोशिश की, मैंने कहा आप मशीन घर पे ले लो। जी। तो वो बचाए। अब हम उससे आगे बढ़ के बात अगर कहें कि अभी एक रजनीशपुरम का हम निर्माण कर रहे हैं। जी जी। रजनीशपुरम में लोग इलाज के लिए आ जाएंगे। अब क्योंकि वो गाँव की व्यवस्था में है, व्यवस्था वहां सब कुछ है, लग्जीरियस व्यवस्था होगी, सब कुछ होगी, लेकिन गांव की व्यवस्था में है तो वहां पे खर्चे कम हो जाएंगे। यहाँ कोई 11,000 में इलाज कराने आता है तो वहां पे इलाज जो है वो 6,000-7,000 में हो जाएगा। तो हुआ ना। और हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से चलता रहा, जिस तरीके से हमारे पास इस समय अगर क्लाइंट की बात करें तो हमारे लगभग 80% क्लाइंट आउट ऑफ कंट्रीज के हैं, 80% क्लाइंट NRIs हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा फ्यूचर का ये प्लान है कि अगर कुछ लोग ऐसे निकल के आए जो थोड़ी बहुत भाई फंडिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत लोग दे सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में हर शहर में हम लोग जो हैं वो गुरुद्वारों के माध्यम से गुरुद्वारों में करने की सोच रहे हैं कि गुरुद्वारों में ये मशीनें लगाई जाएं और वहां पे लोगों के इलाज हों और निशुल्क होंगे, और गरीबों के निशुल्क होंगे। लेकिन क्या होता है, गरीबों के साथ निशुल्क में एक प्रॉब्लम है, और वो समझ लो, अगर निशुल्क की प्रॉब्लम समझ में आ गई तो तुम्हें मेरा दर्द भी समझ में आएगा। अभी मैं आपसे कहूं, ज्यादा नहीं आपसे कहूं कि आप देखो, एक दो कहूंगा तो आप अपने तुरंत पड़ोसी पकड़ लाओगे, इसलिए मैं एक नई बात कहता हूं हमेशा, आप 100 लोग ऐसे तैयार करो जो गरीब हो, और वो उनको जो बीमारी हो
वो उसको ठीक करने के लिए हमारी पैथी से इलाज कराना चाहें, 100 मरीज आप 100 मरीज हमारे पास ले आइए, लेकिन 99 नहीं चलेंगे, ना ही 101 चलेंगे। उन 100 मरीज के रहने, खाने का और इलाज का मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन आप लेके आइए। और लेकिन लेकिन बीच में अगर एक भी मरीज छोड़ के चला गया मौसी ताऊ फूफा की शादी की वजह से, तो क्योंकि उसका छोड़ के जाना मेरी बदनामी बनेगा, और एक भी गया तो मैं बाकी 100 को भेज दूंगा वापिस। आप समझ जाइए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 100 लोगों को यह समझाना बड़ा मुश्किल है कि तुम हमारे माध्यम से इलाज लो। गरीब को समझाना बहुत मुश्किल है। गरीब को अगर समझाने निकलूंगा तो गरीब कहेगा भैया वो 1 रुपया की गोली मुफ्त वाली मिलत है, हम रिक्शा भी चलात रहत और अपना गोली भी खात रहत, वो हमारे थेरेपी नहीं लेगा। आप समझने की कोशिश करो, वो नहीं लेगा। तो हर व्यक्ति की, हर प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस होती नहीं होती? हाँ बिल्कुल। तो हमारे प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस है, लेकिन हमारा हृदय व्यवसाय नहीं है। हमने इस पैथी से जितना पैसा कमाते हैं, जितना भी ऑन रिकॉर्ड मैं किसी दिन दिखाऊंगा लोगों को, मैं जितना पैसा कमाता हूं उसका 95% मैं पैसा लोगों के हित के लिए लगा रहा हूं। 95% रजनीशपुरम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो पहला ऐसा आश्रम, ओशो का पहला ऐसा आश्रम बनने जा रहा है जहां साधना के लिए जो भी व्यक्ति रहेंगे उनका पूरा खर्चा आश्रम उठाएगा। कोई करता है? बिल्कुल नहीं। ओशो आश्रम में तो एटलीस्ट नहीं होता। तो ओशो आश्रम में अब जैसे तुमने हमारे गुरु के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि वो रहीसों के गुरु थे, तो मैं कहूंगा उनका एक शिष्य है जो गरीबों के लिए भी सोच रहा है जी। और ये करके देख लेते हैं कि कितने लोग आते हैं ध्यान के लिए। बिल्कुल, आप समझो सही बात। उसमें ग्रेविटी आएगी मेरे ख्याल से। वो उसका आंसर उसने खुद भी दे दिया था कि भी नहीं, गिरावट अब नहीं आएगी। उसका कारण है, जब ओशो स्वयं जीवित थे तो जो वो जिस लेवल की बात कर रहे थे उस लेवल की बात को समझने के लिए दुनिया में 0.01% लोग थे जो उनको समझ सकें। लेकिन पिछले 30-40 साल में जानकारियों का युग इतना तेजी से बढ़ा है, इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से हुई है कि आज ओशो को 99% लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं कितने रिक्शे वाले भी जानता हूं, कितने ट्रक चालक भी जानता हूं, कितने गरीब और लोग जो अब ओशो को सुन और समझ रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए ढंग जो है वो ऐसा हो सकता है कि निशुल्क के आश्रम भी खोले जा सकें। लेकिन ओशो के समय में अगर निशुल्क आश्रम खोल दिए जाते तो वो जिस लेवल की बात कर रहे थे वहां पे जिस लेवल के लोगों को इनवाइट कर रहे थे फिर वो भी नहीं आते जी। इसलिए उस समय उन्होंने देखते हुए, जैसे मैं कहूं ओशो के साथ जो अपने ज्ञान को देते वक्त हुआ आज से 40-50 साल पहले, वही हमारे साथ इस समय हमारी पैथी को देते वक्त हो रहा है। ज्ञान तो हम निशुल्क भी देना चाहते हैं लेकिन पैथी को निशुल्क नहीं दे सकते। और आज से 40-50 साल बाद यही पैथी निशुल्क भी हो जाएगी। हो सकता है कोई प्रधानमंत्री आएगा और वो कहेगा कि हम पूरी यहाँ पे ये हाइड्रोजन मशीनों का निर्माण कराना और सब शुरू कर देते हैं, हर शहर में हाइड्रोजन की मशीनें लग जाएंगी और ये जो मेरा साइंस है ये बहुत आसानी से मैं उनको निःशुल्क दे सकता हूँ। अच्छा, लेकिन सरकार की जब बात आई है तो मुझे याद आ गया कि अभी जैसे अब आपने सफलतापूर्व मरीजों को ठीक तो किया है, लेकिन सरकार तो आप जैसे लोगों को जेल में डालने के लिए अच्छा खासा कानून भी बनाए हुए है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, तो उसमें तो मेरे ख्याल से भी आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है क्योंकि आपके पास कोई डिग्री नहीं, उनके अनुसार भी नहीं है। पहली बात, उस एक्ट को कैसे देखते हैं साहब? पहली बात है कि हमारे ऊपर वो एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसका रीजन है जी, उसका रीजन सरकार ने दिया। वो रीजन ये है कि हम किसी प्रकार की दवाई तो बताते नहीं, हम किसी प्रकार की दवाई तो देते नहीं। लाइलाज बीमारियों का इलाज तो का तो दावा करते हैं आप? नहीं, दावा नहीं करते हैं हम। करते हैं ये कहा, दावा शब्द तो गलत हो गया। दावा शब्द ही पे तो सारा खेल अटका हुआ है। देखो,
मेरी एक बात थोड़ी समझना, ये भी एक साजिश है कि जो अभी ये आया है नियम, ये एक साजिश है। अब साजिश कैसे उसे समझो, ये जो ड्रग एंड रेमेडी एक्ट होता है ये इस बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो दवाई के माध्यम से कि ये दवाई 100% लोगों पे असर करती। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये दावा नहीं कर सकता का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि ये आयुर्वेद नहीं कर सकता और यूनानी नहीं कर सकता। असल में ये दावा तो MBBS डॉक्टर भी नहीं कर सकते, उनपे भी एक्ट लागू होता है। लेकिन चालाकी क्या है, चालाकी समझो क्या है, आपने आजकल दो विज्ञापन देखे होंगे, एक है ना केसर, केसर का विज्ञापन आता है, एक तो वो केसरी है वो, हाँ वो केसरी, हाँ। केसरी का विज्ञापन हाँ। आता है जी जी। आप बताओ क्या वैसी केसरी कहीं मिलती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि हर दुकान पे केसर टांग के, हर दुकान पहले लोगों को केसर गुटका खिलाया गया है, अब फिर केवल केसर का काम करना पड़ता है, गुटके गाइड हो जाता है हाँ। अब आप बताओ कि कहीं मार्केट में, कहीं मार्केट में किंग फिशर पानी मिलता है? बिल्कुल। लेकिन किंग फिशर उला ला 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 लुला ला ला ले, सबको पता है कि उला ला 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 क्या है, सही बात, ठीक है। उसी तरीके से पिछले 70-80 सालों से दुनिया की हर सरकार ने डॉक्टरों का प्रचार किया है जी। और 70-80 साल बाद MBBS का प्रचार करने के बाद अचानक एक नियम आता है कि आप लोग कोई भी प्रचार नहीं कर सकते। अब आप बताओ कि आपके पड़ोस में किसी को बीमारी हो जाए तो आप उसको क्या कहोगे कि भाई डॉक्टर के पास चला जा? आप उसको ये नहीं कहोगे कि वो नई पैथी आई है आयुर्वेद में वहां चला जा, क्योंकि लोगों को जब इस रेमेडी एक्ट के बारे में बात हो रही है तो लोगों को ये लग रहा है कि ये MBBS पे लागू नहीं होता, जबकि ये MBBS पे भी लागू होता है। लेकिन वो लोग चालाकी करते हैं, इसके पीछे चालाकी है। वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति डॉक्टर है ही नहीं, इस पृथ्वी पे कोई डॉक्टर नहीं है, 100% बीमारी का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, यहां सब प्रैक्टिसर हैं। प्रैक्टिसर जी। तो ड्रग एंड रेमेडी एक्ट कहता है कि डॉक्टर क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा है और उस प्रैक्टिस में वो बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और लोग उसके पास आ रहे हैं उस कोशिश में मदद करने के लिए, और उस मदद में लोग पैसे भी देते हैं, तो वो तो रिसर्च कर रहा है। एवरी डॉक्टर इज रिसर्चर। बिल्कुल। अब हम जो कर रहे हैं तो पहली बात हम कोई भी मेडिकल चीज दे ही नहीं रहे, हम आपको जो हाइड्रोजन दे रहे हैं वो एक होम प्रोडक्ट है, वो एक तरीके से होम अप्लायंसेस में आता है, जैसे आरो। तो अगर मैं ये कहूं मैं आरो का पानी पिला के आपको ठीक कर देता हूं या पानी पिला के ठीक हो रहे हैं, अब देखो ठीक कर देता हूं ये शब्द जो है वो रेमेडी एक्ट में आता है, और ठीक कर सकता हूं या ठीक हो सकते हो ये रेमेडी एक्ट में नहीं आता, शब्दों का खेल है। तो सखा जी बहुत समझदार हैं, हमने तो आज तक दवाई किसी को दी नहीं, दवाई बोलते ही नहीं। और ज्योतिष के ऊपर क्या करोगे, ज्योतिष तो अदृश्य साइंस है, सही बात है। और मैं अभी आपसे खुद ही कह रहा हूं कि ज्योतिष में 2% जान जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, तो यानी कि ये ज्योतिष का रिसर्च का सब्जेक्ट है। फिर हम रागा देते हैं, रागा भी अदृश्य है, इस पे क्या केस करोगे? अब हम आपको एक और कीमती बात बताते हैं, वो बाबा रामदेव को बता देना या जिस पे भी ड्रग एमिडी रेक्ट लगे तो उसको बता देना। अब हम ये अदालत से लड़ रहे हैं इस समय, और मेरा ये वीडियो हर उस डॉक्टर को, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो किसी भी पैथी के माध्यम से लोगों का इलाज करता है जी। ये एक्ट कहता है कि आप अपना प्रचार इसलिए नहीं कर सकते कि आपके प्रचार से लोग जो हैं भ्रमित होते हैं जी, यानी कि आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक साइंस ये भी कहता है कि जो व्यक्ति खुद ही अदालत में जाके ये कह रहा है कि मुझे भ्रम में डाला गया, उस व्यक्ति की गवाही पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तो वैसे ही भ्रम में। अब समझ जाओ मैं क्यों कह रहा हूं डॉक्टर जी। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इनके विज्ञापन की वजह से मुझे भ्रम हुआ, वो व्यक्ति अदालत में जाके ये कह रहा है असल में कि मैं भ्रम में हूं, मेरी बात का भरोसा मत करना। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं भ्रम में हूं, अगर चाहे तो जिसके ऊपर उसने केस किया है वो व्यक्ति उसके ऊपर केस कर सकता है कि जो व्यक्ति डॉक्टर साहब भ्रम में है, इस व्यक्ति को समाज में रहने का हक नहीं है, क्योंकि किसी के भ्रम में आके जो किसी की हत्या भी कर सकता है, और जो व्यक्ति किसी के भ्रम में है उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, यानी कि वो सरकारी नौकरी से भी हाथ धोएगा, और जो व्यक्ति भ्रम में है उसके बैंक अकाउंट में ज्यादा खाते में पैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस पैसे का भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो उसे तो कोई भी भ्रम में ला सकता है। जी। तो ये हुई नई बात? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे ऊपर कोई केस करेगा तो यानी कि वो अपनी पूरी जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं खो बैठेगा और मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तैयार हूं बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भी दुनिया, ये जो युग चल रहा है, ये युग इस बात का है कि जिसके ऊपर केस होता है वो बहुत फेमस हो जाता है। सही बात है। अभी तुम देखो कि अभी कोविड वैक्सीन इस पे निकल आया ना कि उस पे सही नहीं था, तो क्या लोगों ने, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो और नाम जरूर हो गया उस कंपनी का, जिस कंपनी को पहले लोग जानते नहीं थे उस कंपनी को जानने लगे। तो देखो सुमित, खेल ये है कि हम पहली बात तो कोई गलत काम कर नहीं रहे, हम एक खोज कर रहे हैं, हमें हमारी सखा वेलनेस की जो खोज है वो ये कहती है कि इससे भी हो सकता है, और उस पर हम काम कर रहे हैं और काफी हद तक सफलता में कर रहे हैं, 90% तक सफलता हम मानते हैं, और जहां पे हम असफल हैं वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सफल कैसे हो जाएं। जी। दूसरी चीज ये कि सरकार बहुत सारी चीजों में अगर देखे तो कितने सारे भ्रम लाए जा रहे हैं। आप देखो, ऐसे पेप्सी का विज्ञापन हो रहा है कि पेप्सी पीने के बाद आदमी जो है वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग कूद सकता है। सही बात है। इसको क्यों नहीं हटाया जाता? दूसरी चीज, मैं न्यूज चैनलों पे ब्लेम करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल कि एक डकैती डाली, 1 करोड़ रुपए बैंक से लूट लिए, और वो लूट के 25-25, 50-50 लाख उसने इधर उधर बांटे, जिसमें से 20 लाख रुपए उसने उसको दिया जिसकी टैक्सी में बैठ के वो भागा था। तो क्या ये बताओ कि वो टैक्सी वाला अगर पता चल जाए कि जो उसे बैठाल के भगा के लेके गया था उससे 25 लाख रुपए लोगे कि नहीं लोगे? सही बात है। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति ये प्रचार कर रहा है, वो प्रचार की टैक्सी क्या है? प्रचार की टैक्सी न्यूज चैनल। न्यूज चैनलों ने पैसे लिए कि नहीं लिए बाबा रामदेव से? और क्या? तो सारे चैनलों को ये पैसे वापिस करने चाहिए। सही बात है। सोच के देखो, मैं अब कानून की बात हो रही तो कानून में तो तर्क चलेंगे ना, मेरे तर्क भी तो जवाब दे कोई। भाई उन्होंने तो बांटे थे ना, जिसको जिसको बांटे थे अब सबको पकड़ो, क्योंकि आरोप तो लूट का ही है कि वो इस माध्यम से लोगों को लूट रहे हैं, और अगर लूट रहे हैं तो जिन्होंने इसमें हिस्से खाए हैं सबको पकड़ो। और सरकार ने भी जो 18% जीएसटी खाई है, 5% जीएसटी खाई है, सरकार को भी पकड़ो। सही बात है। और उस पैसे से, जीएसटी के पैसे से अदालतें चलती हैं, तो अदालतों को भी पकड़ो। देखो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर ऐसी बात करो। अभी समाज जो है ना, समाज अपने आरंभिक काल में जी रहा है, कई सौ वर्षों से जो समाज जी रहा है वो अभी एक खोज कर रहा है कि मैं ऐसा समाज बना पाए जहां पे सब आनंदित हों। तो समाज बहुत आरंभिक काल में है जी।
तो बाबा रामदेव पे केस करने से केवल कुछ नहीं होगा। बाबा रामदेव को मैं ये कह सकता हूं कि बाबा रामदेव को इस बात का शिकार बनाया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से। अब लोग कहेंगे ड्रग माफिया जो है वो इतना बड़ा कर सकते हैं कि हमारे वो चंद्रचूड़ सिंह को खरीद लें क्यों? सही बात है। अगर हम लोग ड्रग माफिया पे ये आरोप लगा सकते हैं कि वो मोदी को खरीद सकता है, तो चंद्रचूड़ क्या बेचते हैं, कौन सा चूर्ण बेचते हैं जो खरीदे नहीं जा सकते? उनकी क्या कमियां नहीं हो सकती? उनकी क्या कोई मानवीय भूल नहीं कर सकते वो अपने जीवन में, जिसको आधार बना के उनकी कोई वीडियो, उनकी कोई चैट के माध्यम से उनको ऐसा किया जा रहा हो? तो मैं बड़े गंभीर आरोप लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार, कोई मेरा ये वीडियो देख के अदालत को कहे मेरे ऊपर केसेस करे तो मैं अदालत में भिड़ू जाके, मुझ पर तो कोई केस ही नहीं करता, एक तो चक्कर ये है। सही बात, चलिए बहुत शानदार। अच्छा सका, अभी ज्योतिष की चूंकि हम बीच में काफी चर्चा कर रहे थे, तो और सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है जो आप समझते भी है, ज्योतिष को इसीलिए लोग नहीं समझना चाहते क्योंकि वो समझते ही नहीं है। तो शुरुआत कैसे करें अगर कोई समझना भी चाहे भाई, जानकारी अभी ज्योतिष का, आपने खुद बताया कि अब आप इतने समय से उसमें काम कर रहे हैं, फिर भी आप कुछ परसेंट ही 2% ही उसको सीखे हैं। अब जो लोग बिल्कुल जीरो में है, जिनको 0% का ज्ञान नहीं है, अब वो शुरुआत करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर या वेबसाइटों पर, कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे सच्चों भ्रामक चीज है, वो जो 2 रुपए वाले लोग होते हैं वो कोर्स बेच बेच करके ज्योतिष सिखाते हैं। अच्छा, वो और ज्यादा लोगों में मतलब भ्रम पैदा करते ही है कि अभी ज्योतिष सच में एक पाखंड ही है, इसमें कोई विश्वास करने जैसी चीज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग सच में सीखना चाहते हैं, क्या तरीका हो सकता है ज्योतिष सीखने का या उसको समझने का शुरुआती? देखो, मैं बहुत आसानी से लोग सीख सकें इसके लिए समय समय पे कुछ वीडियो बना रहा हूँ पिछले कुछ समय से। आप 1-2 वीडियो के लिंक इसमें नीचे डाल देंगे, उसमें उनको समझ में आएगा बेसिक कंसेप्ट है क्या, ज्योतिष का खेल क्या है, क्योंकि अभी हम वही चर्चा यहाँ करेंगे तो अननेसेसरी एनर्जी का खर्चा है, तो उस बेसिक चीज में समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों को आपके चैनल पे देना चाहता हूँ, उसको थोड़ा समझें। देखो, हमारे जिस प्रकार से हाथ पैर आँख कान नाक दिमाग सब होता है और उसे मिला के ही हमारी पूरी शरीर संचालित होता है, उसी प्रकार से ये पृथ्वी और ये यूनिवर्स भी एक शरीर है। ठीक है, ठीक है। और ये यूनिवर्स और ये शरीर जो है वो कुछ खास तरीके की एनर्जी से संचालित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ठंड पड़ती है, अब जब ठंड पड़ती है तो ठंड एक एनर्जी है, जब आप ठंड पड़ती है तो ठंड सब पे एक ही सा प्रभाव लाती है, तो ठंड के वक्त आप आग जलाते हैं उसे भगाने के लिए जी। तो उसी तरीके से ज्योतिष में ये देखा जाता है कि कौन कौन सी एनर्जी किस आदमी में कितनी संख्या में पाई जाती है। इस पे बहुत अच्छा उदाहरण अगर समझना हो तो ऐसे समझें, पहली बात तो लोग कहते हैं कि जिस समय पैदा होता है उस समय के नाम में ऐसा क्या रखा है कि उस समय आदमी पैदा होगा तो उसकी जे एनर्जी होगी, तो वो भी समझने वाली बात है। आपका विवाह हुआ जी, आपके विवाह से पहले आपके बीवी कैसी होगी इसके संबंध में आपको ख्याल आते होंगे। बीवी खाना बनाती है, जब हम ऑफिस से लौट के आते हैं सुबह उठ के चाय देती है, फिर हम जब बाजार जाते हैं तो बढ़िया से संग में जाती है हमारा, मतलब कुल मिला के एक विवाह के संबंध में आपकी सोच होगी और उसी में कोई मिक्सअप सोच होगी आपकी, आपकी मम्मी की कि वो बहू आ जाएगी तो हमारे घर का काम करेगी और ये करेगी, और उसी में मिक्सअप सोच होगी आपके भाई की छोटे की कि भाभी आ जाएगी तो उससे हम अपनी सब मस्करी कर पाएंगे, भाभी को हम अपने बारे में सब बता पाएंगे, भाभी तो मित्रवत होती है, होगा ना? यानी कि एक एक जो है भाभी वो कई लोगों के विचारों से मिलके निर्मित हुई है, यानी कि एक आपकी पत्नी के साथ कितने लोगों के विचार जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर इसके विपरीत वो आपकी पत्नी जो है उसके अंदर पति को लेके विचार है, सही बात है, उसके अंदर अपने ससुर सास को लेके एक विचार है,
अब ये दोनों लोग अलग अलग घरों में पड़ पड़ मतलब एक तरीके से पैदा हो गए। तुम यहाँ हो, तुम्हारी पत्नी कहाँ की है? तुम्हारी पत्नी बता दो आज यहाँ क्या है, राज खोल दो जी। पत्नी कहाँ की है? हमारी तो हो गई है, मतलब कहाँ की है? तो अपने घर में ही है। नहीं, आप तो अपने संभल की है। तो देखो, आप आपकी पत्नी संभल की और आप एक अलग जगह पैदा हुए, दोनों लोग अलग पैदा हुए और दोनों लोग एक दूसरे से बिल्कुल परिचित नहीं है, अलग अलग पैदा हो गए। लेकिन फिर अचानक एक दिन नियुक्त किया गया और उस दिन वो पंडित आया जी। और ये भी हमारे दिमाग में तय है कि जब पंडित आएगा और वो सात फेरे कराएगा, उसके बाद वो पत्नी हो जाएगी, तब हम उससे अधिकार जमा सकते हैं, सुबह चाय लेके आओ, उससे पहले तो नहीं जमा सकते। तो आखिर उस वक्त पे ऐसा क्या होता है कि आपकी वो चीजें एक्टिव हो जाती? मैंने 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 जब विवाह किया था तो जिससे मेरा विवाह हुआ था उससे मेरा प्रेम भी था और वो प्रेम में थी और पहले हमारे घर में आती थी और हमारे घर में आती भी थी, चाय भी बनाती थी मस्ती से, तो हमारे पापा होते थे, सब बातचीत करती थी, बिना घूंघट के बातचीत करती थी। अचानक फिर मेरी जब विवाह हो गया, विवाह के अगले दिन की बात है कि मैं छत पे खड़ा था और मैंने अपनी पत्नी को कहा, अरे बड़ा अच्छा मौसम है, आ जाओ ऊपर। तो कह रहे, अरे नहीं नहीं नहीं, पापा हैं, अभी नहीं आऊँगी। मैंने कहा, कल तक जो मान नहीं रही थी आज उसके अंदर से ऐसा क्या एक्टिव हो गया? तो उसी प्रकार जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो गर्भ में बहुत तरीके की ऊर्जाओं का निर्माण हो रहा होता है और माँ के पेट में बच्चा 9 महीने होता है, लेकिन उससे पहले शुक्राणु के रूप में वो अपने पिता के अंदर भी होता है जी। अब शुक्राणु के अंदर वो अपने पिता के रूप में होता है, इसका मतलब है पिता के भी उसमें गुण होते हैं, फिर उसके बाद माँ के भी गुण मिलते हैं और बच्चा 9 महीने तक उन गुणों से निर्मित होता है, फिर परिवेश से निर्मित होता है। तो वो सारा अंदर अंदर निर्मित होता रहता है, लेकिन जिस दिन वो बाहर आता है और पहली बार अपनी सांस लेता है, उस वक्त के जो जो एनर्जीज के प्रभाव होते हैं उस समय नक्षत्र और एनर्जी जिस तरीके से प्रभाव बनाती हैं, उस प्रभाव का उसके ऊपर प्रिंट बैठ जाता है। अच्छा। और उसकी कौन कौन से गुण हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और कौन कौन से गुण होते हैं जो उस समय के प्रभाव से पीछे चले जाते हैं। जैसे हर गुण एकदम नहीं, जैसे कुछ गुण उभर आते हैं, कुछ गुण दब जाते हैं। वो गुण जो दब जाते हैं वो एक समय पे आने पे फिर एक्टिव होते हैं, लेकिन सबका एक समय होता। जैसे आपके घर में कंबल रखा है लेकिन गर्मियों में नहीं निकालोगे, ठंड में निकालोगे, उसी तरीके से एक मनुष्य के अंदर सभी तरीके के गुण होते हैं लेकिन समय समय पे वो एक्टिवेट होते हैं जी। कहा जाता है कि एक बच्चा माँ बाप का फल है, तो माँ बाप के कर्मों का उसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो ये तो पहली घटना हो गई। आदमी को अगर समझना है कि ज्योतिष काम करता है तो उसका बेस ये है कि इस तरीके से ज्योतिष में वो महत्वपूर्ण समय हो जाता है जिस समय तुम पैदा हुए। अब फिर वहां से कहानी चलती है कि किस समय कौन से ग्रहों का वक्त आएगा, किस समय कौन सी एनर्जी पृथ्वी पे ज्यादा एक्टिव होगी। अब इसको समझना है तो ऐसे समझ लो कि बीच में सूरज है, सूरज के चारों तरफ ग्रह हैं। अब ये ग्रह सब एक ही दिन में तो चक्कर नहीं काट रहे। चंद्रमा जो है वो 28 दिन में चक्कर पूरा करता है ना। पृथ्वी जो है वो एक साल में सूरज के चक्कर पूरा करती है। ऐसे ही कुछ ग्रह हैं जो 30 साल में सूरज के चक्कर पूरा करते हैं। और यही गणना ज्योतिष मानते हैं कि अब सपोज दैट कि हम यहां पे बैठे, आप बैठे हैं, आप बीच में एक जगह बैठ जाइए और आप एक साइकिल का चक्कर एक से लगवाइए, साइकिल के ऊपर आप एक मोटरसाइकिल का चक्कर बना दीजिए, ऐसे करके 7-8 वाहनों का चक्कर बना दीजिए। और अब तो टेक्निक उपलब्ध है कि बीच में आप एक डॉल्वी डिजिटल साउंड सिस्टम की रिकॉर्डिंग रख लो, रिकॉर्डिंग करने वाला सिस्टम रख लो, तो आप पाओगे कि ग्रहों के चलने के अलग अलग प्रभाव, मतलब मोटरसाइकिल की आवाज़ कभी को बदल जाएगी
कभी को मोटरसाइकिल की आवाज़ बहुत लाउड आएगी, कभी को ट्रक की आवाज़ बहुत लाउड आएगी और कभी को वो दबेगी। यही लाउड होना, दबना और परसेंटेज में आना, ये तय करता है कि किस वक्त कौन सी ऊर्जा इस प्लैनेट पे एक्टिवेट होगी और वो ऊर्जा जो एक्टिवेट होगी उस ऊर्जा का कितना परसेंटेज किस व्यक्ति में होता है, तो वो व्यक्ति किस ढंग से रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सगा, जैसा जिसका भी बर्थ टाइम नहीं पता होता है, जैसा बाद में पता लगाए वो उसकी स्टडी कर रहे खुद की या दूसरों की, जिसका बर्थ टाइम ही नहीं पता। हाँ, देखो ऐसा होता है, ज्योतिष में बहुत तरीके हैं आपकी कुंडली बनाने के। देखो जैसे ग्रेड की बात करें, जितना एक्यूरेट टाइम होगा उतनी एक्यूरेट आपकी कुंडली बनेगी, जितना एक्यूरेट टाइम होगा। सबसे मतलब ऐसा 100% कुंडली का तब बन सकता है जब आपका टाइम एक्यूरेट हो। अगर आपका टाइम एक्यूरेट नहीं है तो उससे सेकेंड लेवल की कुंडली बनेगी, मान लो वो दिन की बनेगी। अब जब दिन की बनेगी तो दिन में फिर ये देखना कि आपको किस तरीके से उस दिन के क्या प्रभाव थे वहां से देखा जा सकता है, लेकिन आपका फिर वो जो प्रिडिक्शन है वो लगभग 70% हो जाएगा जी। अब किसी का दिन भी नहीं पता है, किसी का दिन भी नहीं पता, तो ऐसे करके फिल्टर होते जाते हैं। किसी का दिन नहीं पता, साल पता। अब हमारी मम्मी बोलती थी हम तो नाग पंचमी को पैदा हुए, अब नाग पंचमी को तो पैदा हुई, अब कौन सी नाग पंचमी थी, कौन सी थी। अब किसी की ऐसे बूढ़े आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी अम्मा से पूछ के देखा, अम्मा कहती थी उस दिन जो है वो ललुआ का कच्चा खो गया था। सही बात। अब ललुआ का कच्चा खो गया था, किस दिन खो गया था, कैसे अंदाजा लगाए, बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन हम लोगों ने इसको कोशिश की कि और रिच बनाया जाए, तो ये रिच बनाने के लिए हम लोगों ने इसको रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लिया। हम लोगों का जो पूरा फॉर्म प्रोसेस है, उस फॉर्म प्रोसेस में हम लोगों ने ऐसा किया कि फॉर्म भरवाया और फॉर्म भरवाने में आपका स्वभाव, आपका खान पान, आपका प्रोफेशन, आपकी पत्नी का स्वभाव, मतलब बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने उसमें भरवाई। फॉर्म है एक रिच फॉर्म, तो उस फॉर्म को हम लोग और इम्प्रूव भी कर रहे हैं डे बाई डे। हमारे पास जिस तरीके की मुझे आता है कि दिक्कत हो रही है तो हम और इम्प्रूव करते हैं। तो वो जो फॉर्म होता है उससे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं कि इसका ये स्वभाव किन किन ग्रहों के कारण है, तो हमें अंदाजा लग जाए कि किस किस तरीके की एनर्जी इसके शरीर में एक्टिव है और कैसी कैसी एनर्जी डीएक्टिव है। आप समझ रहे हैं बात? अच्छा, जो लोग रेखाओं से मतलब हस्त रेखाएं या शायद माथे की रेखाओं से भी बताते हैं, तो वो उनका देखो वो उनका विज्ञान है। मैं भाई देखो, मैंने कहा ना बहुत माध्यम है, इवन कि पैरों की रेखा देख के भी लोग बताते हैं। और मैंने कहा ना कृष्ण जैसे अनुभव हो जाए तो किसी को देख के ही बता सकता है। महावीर के संबंध में कहा जाता है कि महावीर के पास लोग जाते थे और महावीर आंख बंद करते थे और बता देते थे कि ये व्यक्ति कितने दिन में मरेगा या नहीं मरेगा, इसको बीमारी है कि नहीं है, वो आंख बंद करके बता देते थे। तो वो उनका टैक्ट था। भाई देखो साइंस है, मैंने कहा ना मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीजें अगर कुछ सीखना चाहता है तो कुछ सोर्सेज आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? मैंने ये चीजें ओरिजिनल बड़ा मुश्किल से पाती हैं सीखने के लिए। मैंने एक बात स्पष्ट कही, आप मार्केट में निकलोगे तो आपको हर तरीके की दुकान मिलेगी। आपको ही चुनाव करना है कि किस में आप जाओ। मैं एक छोटी सी बात मुझे जिंदगी में बड़ी काम आई, वो एक पिक्चर थी DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे जी। उसका एक डायलॉग मुझे जिंदगी में बड़ा काम आया जी। डायलॉग ये था, वो कहती है लड़की की माँ कि तू जो है क्यों जिद कर रहा है सबके सामने बात कहने की, मेरी लड़की का हाथ में तेरे हाथ में देती हूँ, तू इसे भगा ले जा, छुप के भगा ले जा। तो वो कहता है कि मैंने ये जाना है कि जो रास्ते शुरुआत में आसान होते हैं वो बाद में मुश्किल होते हैं जी, और जो रास्ते शुरुआत में मुश्किल होते हैं वो बाद में आसान होते हैं। इसी को और तरीके से भी लोगों ने कहा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये भी एक तरीका है। फिर ये है कि ज़्यादातर आदमी इतना मक्कार है, ये एक फितरत है आदमी की मक्कारी, कि वो चाहता है कि सबसे आसानी से काम बन जाए।
जितनी आसानी से कोई व्यक्ति अपने जीवन की समस्या दूर करने का तरीका खोज रहा है, समझ लो उस आदमी के मुश्किलात के दौर और उसके जीवन में गलत लोगों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी। जी, जो आदमी थोड़े कड़वे होते हैं, थोड़े साहसी होते हैं, थोड़े अलग हटके चलते हैं, उनके जिंदगियों में बहुत ज्यादा बवाल दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं हैं। जैसे मेरी जिंदगी लोगों को दिखाई देती है कि इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसकी लाइफ है, लेकिन रियल में मेरी लाइफ बहुत सीधी है, बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है। कभी आके मेरे पास रहो एक दो दिन तो तुम्हें पता लगेगा कि यार इतना इतनी इजी कंफर्ट लाइफ सखा देते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई सीखना चाहता है, जल्दबाजी ना करे, सबसे पहले वो अपने अंदर से ये सोचे कि वो व्यक्ति चाहता क्या है, सीखना क्यों चाहता है। ज्यादातर लोग सीखना चाहते हैं लोगों को ठगने के लिए, फायदे के लिए। फायदे के लिए मत सीखें। कहते हैं जापान की एक कहावत है, जापान में कहा जाता है कि वो व्यक्ति खुशहाल दीर्घायु जीता है जो व्यक्ति अपने स्वभाव को ही अपना बिजनेस बनाता है, अपने स्वभाव को ही पूरे तरीके से जीता है, वो व्यक्ति ज़्यादा लंबी आयु जीता है और ज़्यादा मस्त रहता है। तो वहाँ ये नहीं कहते कि इस चीज़ को इसलिए सीखो कि इससे फ़ायदा होगा। देखो, हमारे देश की शिक्षा में एक बुरी बात यह है कि हम अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेज रहे हैं और वही शिक्षा दिला रहे हैं जिससे फ़ायदा हो जाए। जी, हम ये नहीं देख रहे कि बच्चे का टैलेंट क्या है, उसके हिसाब से उसे शिक्षा देना है। सही बात है। तो पहले तो ये देखो क्या तुम्हारा वास्तव में इसकी तरफ रस है, और रस ना भी हो तो फिर इसलिए कि आखिर होता क्या है, आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, वहां से शुरुआत करो। और संदेह और श्रद्धा, जैसे कि मैं बताऊं आपको, मेरे साथ दो चीजों की प्रॉब्लम हमेशा से रही और मैं भी उसको दूर करने की तरफ अग्रसर हूँ। पहली प्रॉब्लम ये रही, जैसे कि मैं अपनी बातें कहना चाहता हूँ तो एक तो होता है कि सेटअप हो, अच्छे से सब लगा हुआ हो, मैं बैठूं, कैमरे वैमरे सब लगे हों और मैं आराम से आके बोलने लग जाऊं, तो पहली सुविधा तो ये चाहिए होती है। तो भाई देखो, मेरे पास जो बच्चे हैं, अब ज़्यादातर सन्यासी बच्चे आए हैं, अब सन्यासी बच्चे ये करते हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म को मैं यूज़ नहीं करता, कोई मैंने ऐसी जॉब तो निकाली नहीं। अब ये बच्चे आए थे ध्यान खोजने, मैंने कह दिया रिकॉर्डिंग पे बैठो, तो बेचारे कैमरे का एंगल और सब तो नहीं जानते, तो पहली बात तो मुझे सारे एंगल समझाने पड़ते हैं और सब करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो क्वेश्चन करने वाला है, या तो वो मेरा भक्त होता है या मुझे मानने वाला होता है। मानने वाला होता है तो वो मुझसे क्रास क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाता, वो कहता आपने जो कहा हाँ हाँ हिलाता रहता है सर, तो मुझे गहरे से बोलने में मजा नहीं आता। और अगर वो संदेह भी करे तो उसके माइंड के पास इतना डायमेंशन होने चाहिए कि जितने डायमेंशन में मैं बात कर रहा हूँ वो भी कर पाए। तो अब ये दो बातें मैंने यहाँ क्यों कही, यही बातें आदमी की बिल्कुल जिंदगी में है। मैं ये कहता हूं तुम किसी भी साइंस पे संदेह करो, लेकिन संदेह के साथ साथ थोड़ी सी श्रद्धा भी करो कि भाई इतने लोग मान रहे हैं, कुछ तो होगा ना। जी बिल्कुल भाई, कुछ तो होगा ना, तो वो क्या है ये जानने निकलो। जहां पे तुम्हें लगे समझ में नहीं आ रहा वहां पे विरोध करो, लेकिन विरोध करो, निंदा मत करो, विरोध ये करो कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। अब जैसे तुम मास्टर से पूछते हो कि मास्टर साहब हमें ये समझ में नहीं आया, इतना तो ठीक है, लेकिन मास्टर साहब दुष्ट हैं और इनकी हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। क्लास अटेंड करो, क्वेश्चन करो, एक बार करो, दो बार करो, लेकिन अगर कहीं पे समझ में आए तो स्वीकार भी करो। लेकिन कई बार होता ये है कि किसी बात का हमने इतना विरोध किया होता है कि जब हमें उसे स्वीकार करने का वक्त आता है, हम सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी, अभी तक तो विरोध कर रहे थे, अब स्वीकार कर लिया। तो ये भी मत करो, ईमानदार इतने बनो कि अगर जरूरत पड़े तो स्वीकार करो। जैसे मैं अपनी बात कहूं, मैं एक समय था आयुर्वेद को नहीं मानता था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि मुझे आयुर्वेद में कुछ बातें समझ में आई, तो मैंने आयुर्वेद की तारीफ भी की।
फिर लेकिन मुझे फिर तारीफ करते करते मुझे कुछ क्वेश्चन भी उठे, वो संदेह भी मैंने उठाए, मैंने वो क्वेश्चन भी किए, और उससे मैं आगे बढ़ के अपनी इस पैथी पे भी पहुंचा। फिर जब इस पैथी पे पहुंचा तो इस पैथी पे भी संदेह उठे, फिर इस पैथी पे विश्वास भी उठा। तो संदेह विश्वास ये सब यात्रा की सीढ़ियां हैं जी, और इन सीढ़ियों पे जो ईमानदारी से चलता है वो मंजिल पाता है। तो सभी दर्शकों से मेरा एक ही चीज ये होता है कि आप लोग किसी भी चीज पे भले ही पूरा यकीन ना करो, लेकिन पूरा अंधविश्वास भी या पूरा विरोध भी मत करो। आप खोजो। ओशो कहते थे कि मैं पूरे दुनिया के हाथ में संदेह देना चाहता हूं, लेकिन सिखाते वो श्रद्धा भी थे। सही बात है। तो संदेह और श्रद्धा की अगर मिली जुली तुम्हारे अंदर ऊर्जा काम करती है तो निश्चित ही तुम जीवन के उस चीजों को खोज पाओगे जो जीवन के वास्तविक सत्य हैं। मैं ज्योतिष को क्यों पूरी दुनिया को सिखाना चाहता हूं, आज तुम मेरी वो बात समझो। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ज्योतिष का इतना सम्मान हो कि हर व्यक्ति ज्योतिष की लैंग्वेज में बात करे। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब कोई एक व्यक्ति मेरे पास आएगा और आने के बाद वो व्यक्ति एक समय में मुझे धोखा देके जाएगा जी, तो वहां पे हम ये देख सकते हैं कि वो जो धोखा देके गया वो ग्रहों स्थितियों के कारण था। अच्छा, तो वो व्यक्ति बुरा नहीं लगेगा। हम व्यक्ति को सूली पे नहीं चढ़ाएंगे, हम ये समझेंगे कि ग्रह स्थितियां थी। आप मेरी बात समझे? दुनिया में जो भी व्यक्ति जो कर रहा है वो उसकी ग्रह स्थितियों के कारण है, वरना क्या कारण है? अगर अगर सब लोग कर्म पे ही विश्वास करते तो मैं आप ये बता दीजिए, आप जितनी मेहनत करते हैं क्या आपको नहीं पता उससे कम मेहनत में कई लोग जो हैं बड़े अच्छे चैनल चला रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, चला रहे हैं। क्यों? मेहनत का फल क्यों नहीं आया? हो सकता है उनकी कुंडली का ही अलग ही कुंडली नहीं, उनकी स्थितियां, उनकी पूरी सरकम चांसेस ऐसे हैं कि वो सरकम चांसेस में पूरी बात फिट बैठ जाती और वो सक्सेस। और उनसे भी ज्यादा कुछ लोग अचानक सक्सेस होते हैं, पूरी सक्सेस है, अचानक एक गड़बड़ होती पूरे क्रैश हो जाते हैं जी। एक छोटी सी गड़बड़ पूरा क्रैश कर देती। मैं अपनी जिंदगी की बिल्कुल मिसाल देता हूं, आपको तो पता है मेरी जिंदगी का कि मेरी जिंदगी अचानक कितना चल रही थी, जहां पे मैं ऐसा हुआ करता था कि चलो भाई कैसे भी करो, एक छोटा सा आश्रम सही, कैसा भी सही सब कर दो। मैं अपनी बात भी कह रहा था, लोग समझ भी नहीं रहे थे। धीरे धीरे जब ज्योतिष के माध्यम से मैंने अपना एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि मुझे कौन सी बात कहनी चाहिए, कौन सी नहीं कहनी चाहिए, क्या मेरी ऊर्जा है, क्या मेरे अंदर मतलब मिसकंसेप्शन है, ये सारी चीज़ों का मुझे पता लगा। और उसके बाद मैंने अपनी ऊर्जाओं को इस ढंग से किया। ये आपने कब से अपनी जिंदगी में सबसे पहले आपने कब इस पर शुरुआत की थी? देखो मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में सबसे पहले शुरुआत तो ये हुई थी कि लगभग मैं उस समय 8th और 9th में पढ़ता था, तब मुझे एक व्यक्ति से मिलना हुआ जिन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया और वो हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो ज्योतिष पे मुझे विश्वास बहुत पहले से था कि ज्योतिष कुछ होता है, लेकिन ज्योतिष मुझे सीखना चाहिए एनर्जी के लेवल पे, ये मुझे तब पता लगा जब हम लोग इस पैथी को करने निकले। जब हमने इस पैथी को जब हमने आविष्कृत किया सखा वेलनेस की पैथी को, तो जब हम इसके आविष्कृत की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने इसको कैसे और बेहतर बना सकें इसके लिए ज्योतिष के माध्यम लिया। तो उस समय एक ज्योतिष जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ था तो उसने इसमें मदद की काफ़ी। लेकिन अब देखो हर केस के लिए हम उससे कहाँ तक बातें करते रहेंगे, है ना, हर केस के लिए। तो फिर उसने कहा कि आप भी इसको थोड़ा समझना शुरू करें, और तब मैंने इसको समझना शुरू किया। और जब मैंने इसको समझना शुरू किया और मैंने एनर्जीज को समझा तो मैं हैरान रह गया कि अब मुझे जैसे कि एक वक्त होता था कि अगर मैं जा रहा हूँ मुझे टोल पे, अभी 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 की घटना एक हफ्ते पहले की, कि टोल पे कुछ वो टोल कर्मी परेशान करते नहीं करते, करते तो अगर अगर मैं पहले वाला शशांक होता तो मैं उस टोल कर्मी से भिड़ गया होता और वीडियो वीडियो डाल के अपना वायरल करा रहा होता।
लेकिन मैं उस समय मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था कि इस समय की जो एनर्जी चल रही है उस एनर्जी में ये टोल वाला ऐसी हरकत दिखाएगा, मुझे वो एनर्जी का टाइम पता था। अच्छा। अब मैं बड़ा मुस्कुरा के उसको इग्नोर करके निकल गया। अब देखो जीवन में अब क्रोध से बचना हो गया ना, सही बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मुझे ये टाइम नहीं पता होता, एनर्जी के काम करने का ढंग नहीं पता होता, तो मैं क्या रिएक्ट करता, मैं उससे भिड़ जाता। तो ज्योतिष सीखने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि हर बात के लिए तो तुम ज्योतिष को ढूंढोगे नहीं कि पता लगा हमारे टोल पे किसी ने रोक लिया, हम ज्योतिष को फोन मिला रहे हैं, हाँ साहब बताओ इस समय हमारी कौन सी ग्रह स्थिति चल रही है, इतना समय तो नहीं है ना। तो यदि आपके पास ये नॉलेज है कि किस समय किस तरीके की एनर्जीज क्रिएट होंगी और उन एनर्जीज को हम किस ढंग से हैंडल करें, हमारी एनर्जी उससे कैसे मैच खाती है, तो बहुत आसानी के साथ आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। अब जैसे पहले ऐसा होता था कि मुझ पे कोई आदमी आरोपण लगाना शुरू किया और मैं बैठ जाता था, खोलो लाइव इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। जी। मैंने बहुत किया ये। जी, लेकिन जी, अब मुझे पता होता है कि ये जो वक्त है ये कुछ लोगों के भौंकने का वक्त है और ये इतने दिनों बाद स्वतः चला जाएगा। मैं उस वक्त को एक रेमेडी होती है, कहते नहीं जब आपके ऊपर भौंके कोई तो एक रेमेडी होती है, वो रेमेडी होती है इग्नोरेंस की रेमेडी। तो मैंने थोड़ा इग्नोरेंस की रेमेडी को यूज करना शुरू कर दिया। तो अब मुझे बहुत लोग करते रहते होंगे, मैं कुछ कहते ही नहीं, तुमने देखा होगा मेरा पिछले एक दो साल से बड़ा ढंग बदल गया। और ये दो साल से ढंग बदलने में तुम देखो, मैं पिछले 27 साल से अध्यात्म की दिशा में हूं, न जाने कितना भटका हूं, कई आश्रम लोगों के किराए पे लेके कभी कुछ करके अपने सब करके बर्बाद भी किए, लेकिन मात्र दो साल तीन साल के अंदर आज मेरा एक रजनीशपुरम भी बन रहा है जहां 250 लोगों के रहने की व्यवस्था भी है, सब अच्छे ढंग से मैंने मैनेज किया, किसी से भी इसमें चंदा इकट्ठा नहीं किया जा रहा। अच्छा। मैंने जैसे कहा ना सखा वेलनेस की 95% इनकम मैं वहां लगा रहा हूं। और पूरी ही समाज के लिए है। बिल्कुल। अच्छा रजनीशपुरम के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि ये जो जब भी नाम सुनते हैं तो जो उसको थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उनको पहले ही पता है कि अमेरिका में पहले से ही उसने अपना रजनीशपुरम बनाया हुआ था और उसके बाद शायद ये पहला ही रजनीशपुरम फिर से स्थापित हो रहा है। तो पहला तो सब लोग यही जानना चाहेंगे कि क्या भाई वो उस जैसा ही रजनीशपुरम यही रजनीशपुरम होगा, क्या उससे प्रेरणा ली है सखा ने? नहीं। तो उसको जरा क्लियर कीजिए पहले। देखो पहली बात ये है कि कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ कर्जे उतारने होते हैं। जी। एक माँ बाप का कर्ज होता है, तो माँ बाप का कर्ज आप उतार सकते हैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन देके। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा जीवन देते हैं तो आपने माँ बाप का कर्ज उतार दिया। माँ बाप का कर्ज माँ बाप की सेवा करना नहीं, वो सेवा करना तो एक मानवता का हिस्सा है, सेवा तो आप किसी भी की भी करेंगे मानवता के नाते, लेकिन कर्ज उतरता है जब आप अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा देते हैं। दूसरा कर्ज होता है आपका समाज के प्रति कि आप समाज से कुछ लेते हैं तो समाज को कुछ दीजिए, वो धन के रूप में दीजिए, वो सेवा के रूप में दीजिए, वो किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। ऐसे ही एक गुरु का कर्जा होता है कि जिस गुरु के माध्यम से आपने अपने जीवन में कुछ प्लेजर पाया या कुछ पाया तो कम से कम आपको कुछ फूल उसके चरणों में चढ़ाने पड़ते हैं। फूल का अर्थ है कि आप एक मंदिर में एक मूर्ति रखिए और मूर्ति पे फूल चढ़ाइए, तो अगर खाली मूर्ति रखी है तो वो बजारू है। अगर कोई आप बाजार में जाएं और आपको एक मूर्ति रखी दिखे तो आप उसका रेट पूछेंगे कि ये कितने की है, लेकिन यदि उस पे दो फूल चढ़े हों तो आप हाथ जोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरीके से एक गुरु का फर्ज, एक शिष्य का फर्ज होता है कि अपने गुरु के प्रति कुछ ऐसा करे कि लोग उसके गुरु को जाने, गुरु को प्रेम करें, उसने जो दर्शन दिया था उसकी इज्जत करें। तो मैं असल में जो भी कर रहा हूँ जिसमें मेरी ज़िंदगी में, अगर सच कहें तो आप सखा परिवार को इतने समय से देखते हैं, सखा परिवार भी एक प्रयोग है जहाँ पे हमारे बिना खून के रिश्ते के लोग रहते हैं और जिनका हम सब कुछ करते हैं। सही बात। तो सखा परिवार भी तो एक प्रयोग है ना, एक कम्यून ही तो है।
तो सखा परिवार है, फिर सखा वेलनेस है, मेरी जिंदगी की जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें, जो भी मैंने जिंदगी से प्यारा कुछ पाया, उस सब का जोड़ बना के एक रजनीशपुरम बना रहा हूं। और वो रजनीशपुरम को मैं सखा भी नाम रख सकता था, लेकिन मैंने सखा का नाम सखापुरम ना रख के मैंने रजनीशपुरम इसलिए रखा कि अपने जिंदगी के जितने भी प्यारे फूल मिले हैं मैं अपने गुरु को अर्पित कर दे रहा हूं, ताकि इनका भी कब्जे से मुक्ति हो। सिर्फ इसलिए मैंने उसका नाम रजनीशपुरम रखा, लेकिन आपको वास्तव में जो सखा परिवार है, सखा परिवार का ही ब्रॉड रूप आपको रजनीशपुरम में देखने को मिलेगा, सखा वेलनेस का ही बड़ा रूप आपको रजनीशपुरम में देखने को मिलेगा। मेरे तरीके की जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, मल्टी डायमेंशनल काम करने का ढंग है, वो आपको रजनीशपुरम में देखने को मिलेगा। अब कोई रजनीशपुरम में ये ना समझे कि वो ओरेगन वाले सन्यासी देखने को मिलेंगे, कि ओरेगन में कैसे ढपली बजाते थे, यहाँ भी वैसी ढपली बजाएंगे, नहीं, क्योंकि ये तो कॉपी हो गई, और हमारे कम से कम ओशो ने कॉपी करना नहीं सिखाया। सही बात है। मुझे तुम देख लो, मेरे ढंग में ओशो की लोग कहते होंगे, भले ही ओशो, मैं कहीं कॉपी नहीं मारता, मेरा अपना ढंग है। सही बात है। मैं बिल्कुल भी, इसलिए कई बार आपके को देखकर के लोगों ओशो के जो सन्यासी हैं वो आपको विरोधी भी बोलते हैं। बिल्कुल, देखो ओशो को प्रूफ बोलते हैं, जरूर है, लेकिन देखो ऐसा है, तुमने कभी देखा होगा कि जो रोड डॉग्स होते हैं वो उनके ऊपर बहुत भौंकते हैं जो किसी के पालतू होते हैं। हाँ, सही बात है। इनका आपस में विरोध है, तो किसी रोड डॉग को मैं पालतू दिखाई देता हूं तो वो मुझे बोल देता है, किसी पालतू को मैं रोड डॉग दिखाई देता हूं तो वो मुझे विरोध कर लेता है, तो ये दोनों इस तरीके के चलते रहते हैं। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी खुद की एक पर्सनालिटी है, मेरे खुद का एक जीवन है, मेरे खुद के एक अनुभव हैं, वही मेरे लिए सब कुछ है। ये देखने का नजरिया जिससे मुझे सीखा, बस उसको धन्यवाद है। पर ओशो से जिंदगी को समझने का थोड़ा सलीका मिला, ये बस काफी है जी। हर समय मैं ओशो नहीं करता रहता। ओशो की एक बात जीवन में सबसे अच्छी लगी थी, डोंट मिस मी एंड डोंट फॉलो मी। सबसे पहले मैंने ओशो को ऐसा प्रेम किया कि लाल कपड़े पहन के, माला पहन के, पूरे तरीके से अपने आप को सब कुछ त्याग के दुनिया में फेंक दिया। तो ये वक्त था डोंट मिस मी, जो ओशो के लिए था कि डोंट मिस ओशो, है ना, कि मैंने उनको चूका नहीं। लेकिन उसके बाद था डोंट फॉलो मी, मुझे पकड़ो मत। तो फिर एक वक्त आया कि मुझे अपनी माला भी एक बच्चे को देनी पड़ी, मैंने उसको दे दी, और उसके बाद दोबारा कभी पहनी नहीं। अब देखो रजनीशपुरम बन रहा है, रजनीशपुरम में लोग आएंगे, वो माला भी पहनेंगे, गाउन भी पहनेंगे। सही बात। लेकिन मैं माला डाल के कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा, मैंने माला तो नहीं डाली कहीं, मुझे पिछले कितने समय माला में देखा ही नहीं किसी ने, क्योंकि मैं माला पहनता ही नहीं, मेरी माला चली गई, बात खत्म हो गई। जब तक प्रेम से पूरा जी रहे थे, माला सब कुछ पड़ी थी, अब हम अपनी समझ से जी रहे हैं तो अब कोई उसकी जरूरत ही नहीं। आप किसी भी गुरु की उंगली तब तक थामते हैं जब तक आप चलना ना सीख जाएं। जिस दिन आपको चलना आ जाता है फिर आपको चलना पड़ता है। अब जिन लोगों को चलना नहीं आया है अभी तक, वो ओशो की उंगली थामे हुए हैं। जिन लोगों को चलना आ गया है वो अपने ढंग से चल रहे हैं, लेकिन जिनको अपने तरीके से चलना आ गया है वो धन्यवाद तो ओशो को देंगे ना, और धन्यवाद मैं भी देता हूँ, मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि तुम मिले, तुमसे चलना सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रजनीशपुरम में एक तो आपने बता दिया कि जो भी सखा वेलनेस में थेरेपीज होती हैं उनके माध्यम से भी समाज को लाभ पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। उसके अलावा चूंकि रजनीशपुरम है तो वो ओशो के जितने फॉलोवर्स हैं वो लोग भी अट्रैक्ट होंगे, वो आएंगे। बिल्कुल आएंगे। उसके अलावा जिनका ओशो से कोई मतलब नहीं वो भी आ सकते हैं। आश्रम है रजनीशपुरम, तो वो एक धर्म के हिसाब से लोग जोड़ेंगे, तो धार्मिक आस्था लेकर के कोई आम आदमी आता है तो उसको क्या मिलने वाला है रजनीशपुरम में? देखो ऐसा है कि एक आदमी बुद्ध के पास आया और बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या भगवान है जी। बुद्ध ने कहा नहीं, भगवान अगवान कुछ नहीं होता। आनंद बैठे देख रहे थे, तभी एक दूसरा व्यक्ति आया थोड़ी देर बाद, उसने कहा कि मैं कहता हूं कि भगवान नहीं होता, आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपने कहा भगवान नहीं होता। बुद्ध कहने के पागल हुआ है क्या, भगवान के अलावा है क्या, चारों तरफ भगवान। तो
आनंद जो थे उनके संग में वो कंफ्यूज हो गए। आनंद बोले कि चक्कर क्या है, आप किसी को कह रहे हो भगवान होता है, किसी को कह रहे हो नहीं होता है। तो बुद्ध ने कहा कि जो जिस धारणा में बंध गया, उस धारणा में बंधने के कारण वो परमात्मा को नहीं महसूस कर सकता। तो मैं उसकी धारणा तोड़ रहा हूं। जो कहेगा भगवान है तो उसकी धारणा तोड़ेंगे कि ताकि वो कहे, नए ढंग से देखना शुरू करे। उसी तरीके से रजनीशपुरम है, रजनीशपुरम में जो धारणाएं बना के आएंगे वहां की व्यवस्था में उनकी धारणाएं टूटेंगी, जो धारणाएं नहीं बना के आएंगे उनको थोड़ी सी धारणाएं दी जाएंगी। बहुत शानदार। अच्छा, जो ओशो के सभी आश्रमों को संभोग से जोड़ देते हैं, बहुत से ज्यादातर लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? संभोग से तो सब जुड़े ही हुए हैं, हम हो कि आप हो, नहीं आश्रम को विशेष रूप से, नहीं कैसे विशेष रूप से, मतलब कौन सा कुछ है? कुछ लालच होता है ना कि ओशो आश्रम, नहीं, नहीं, मतलब वहां पर एक ऐसा आश्रम, हां नहीं ऐसा ऐसा संभोग की भी लोग, देखो ऐसा होता है, कई साल पहले मेरे पास एक लड़का रहता था तो मैंने उसे ऐसे करके कहा, मैंने कहा कि सच बोलना चाहिए जी, ठीक है। तो जब मैंने उसे सच बोलने को कहा तो उसने कई बार ऐसी कुछ बातें जो मेरे ऊपर बहुत तीखे प्रचार थे, मतलब तीखी बातें कही, मतलब अपने अंदर की सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाल देता था। तो मैं कहता था तू मेरे ऊपर भड़ास क्यों निकालता है? तो कह रहे हैं मैं भड़ास नहीं निकालता हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ, आप ही ने तो सिखाया मैं सच बोलता हूँ। तो मैंने कहा मेरे ही सामने क्यों बोलता है, अपने घर में भी थोड़ा बोल ले, अपने संबंधों में भी बोल, मेरे ही ऊपर क्यों भड़ास निकालते हैं? तो जैसे ओशो ने कहा कि सेक्स बुरी बात नहीं है, तो लोगों ने कहा फिर तो हम आपके घर आ रहे हैं, आपसे कहेंगे कि आप अपनी बहन को हमारे साथ सोने दो। भाई सेक्स बुरी बात नहीं है तो अपने भी पड़ोस में ऑफर कर लो, हमारे यहाँ के ऑफर क्यों करना जी। बात थोड़ी समझ रहे हैं, ओशो ने तुम्हें वैचारिक स्वतंत्रता दी, इसका मतलब नहीं है कि वैचारिक बदतमीजी उन्हीं के साथ करने लगो। हमारे पास, मैं बताता हूं थोड़े, जैसे कई लोग हैं सुन रहे, चलो हम ऑफर देते हैं बड़ा अच्छा सा जी। जो व्यक्ति शाम तक ओशो में 5 ध्यान होते हैं, 5 ध्यान, और ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है ओशो के अनुसार वो है एनलाइटमेंट जी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति रजनीशपुरम में आके 5ों ध्यान को 100% तरीके से करेगा और एनलाइटमेंट तक पहुंचेगा, उसको सेक्स उपलब्ध होगा। अब पहले एनलाइटमेंट ही पहुंच जाओ सेक्स तो उपलब्ध हो जाएगा। सही है, मैं तो ऑफर दे रहा हूं कि यहां सेक्स उपलब्ध होता है, आ जाओ, लेकिन एनलाइटमेंट के बाद होता है। और एनलाइटमेंट से पहले सेक्स तो तुम्हारे घरों में चारों तरफ हो ही रहा है उपलब्ध, इसमें शर्माने की क्या बात है? सही बात है। संभोग कहां नहीं चल रहा, एक फूल के ऊपर भवरा बैठ रहा है, संभोग चल रहा है। सही बात है। रस्ते पे डॉग से लेके और कितने जानवर हैं सब डटे पड़े, संभोग तो चल ही रहा है लेकिन निंदनीय रूप से चल रहा है जी। हम थोड़ा सा सहजता से स्वीकार कर रहे हैं, संभोग इतनी बुरी चीज नहीं, हर आदमी संभोग से ही बना है, संभोग में ही वो जी रहा है। आदमी की जीवन से अगर संभोग हटा लो तो उसकी प्रगति रुक जाती। जिसको पता हो कि हमारे जीवन में संभोग नहीं आएगा, उसके जीवन में मकान भी नहीं आएगा, क्यों खरीदेगा मकान? जितने भी दुनिया में मकान बनाए जाते हैं ज्यादातर तो इसीलिए बनाए जाते हैं कि इसमें संभोग करना है बढ़िया से। सबसे ज्यादा पैसा तो आदमी बेडरूम पे ही खर्च करता है। सही बात है। तो बात ऐसी है कि संभोग ओशो के साथ जो घटना मैंने बताया ना कि ओशो ने इतनी कंफर्टेबल ढंग से बात की कि लोगों ने कहा फिर इनके यहां तो अब कोई छूट होती होगी सब। तो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जबकि ओशो में थोड़ा सा मामला और सख्त है। सच बताएं सामान्य और आश्रमों में जाके तो कोई आदमी बीमा एजेंट होकर भी किसी को पटा सकता है, लेकिन ओशो सन्यासिनों को पटाना इतना आसान नहीं है। सही बात है, ये जरा टेढ़ी खीरे हैं।
समझ रहे हो बात को? सही बात है। मैंने मैंने अभी कल ही एक पोस्ट लिख के डाली थी, मेरे वॉल पे है, इजिली दिख जाएगी, पोस्ट लिख के डाली थी कि आश्रमों में साधना करने जाना, साधना खोजने नहीं। जबकि जबकि ये बात भी जान लो कि साधना को साधक पसंद आते हैं, यानी कि तुम साधना में रुचि लो, बुद्ध के भी बिल्कुल, तुम साधना में रुचि लो, साधना तुम में रुचि देने लगेगी। बुद्ध की, बुद्ध के भी कितने सारे शिष्य थे, लेकिन कुछ शिष्यों की कहानी है नहीं कि कुछ शिष्य इतने ज्यादा ध्यान में डूबे कि नगर की जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत नगर वधुएं होती थी उस समय, वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। होता था नहीं होता था? बिल्कुल। तो एक तरीके से वही तो मैं भी कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन में ध्यान को गति दो, बाकी सारी गतियां तो तुम्हारी तरफ अपने आप खड़ी हो जाएंगी। तो अभी रजनीशपुरम जो शुरू तो काफी टाइम से हुई, काम तो चल ही रहा है, अभी हाल ही के क्या अपडेट है रजनीशपुरम की? रजनीशपुरम की अपडेट ये है कि देखो, क्योंकि एक बड़ा निर्माण है ना, लगभग 200-250 लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब 200-250 लोगों के रहने की व्यवस्था का मतलब कि जो लोग हमसे कहा करते थे कि घर छोड़ के चले गए क्योंकि घर का खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो आज वो देख लें कि कई घरों का खर्चा उठाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो बात ऐसी है कि बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है और फाइनल फिनिशिंग की तरफ इस समय है, और हमारा पूरा कोशिश है कि 8 सितंबर को हम उसकी ओपनिंग कर लें, यानी कि बस 3-4 महीने बचे हैं, 3-4 महीने बाद ही ओपनिंग का विचार है। पूरी कोशिश उसी की है कि हम ऐसा कर दें, अगर किसी वजह से थोड़ा आगे पीछे होता है तो वो भी अपडेट आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन 8 सितंबर की सोच बनाई गई। बिल्कुल। तो चलिए, बातें अभी बहुत सारी और भी सीखनी है, लेकिन उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक और लाइव करेंगे। फिलहाल आज बहुत सारे मुद्दों पर बात की और बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अभी फिलहाल आपका समय और ऊर्जा थोड़ी बचानी भी है, इसलिए फिलहाल इस कार्यक्रम को ही एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में जान जी, बहुत बहुत धन्यवाद।